السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي قدر فهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیز طلبہ اور طالبات، آپ سب کو دیکھ کر اور آپ کا شوق ذوق دیکھ کر میرا تعلق ایک ذمہ دار گھرانے سے ہے. ایک مثال، ایک مثال نہیں، ایک حقیقت میرے سامنے ہے. ہم چھوٹے تھے، فصل میں کمی ہوتی، بیماری ہوتی، پھر والد چکر لگا کے آتے تو چہرہ اتر ہوتا تھا، مکھی لگ گئی ہے، سونڈی لگ گئی ہے، حل کوئی نہیں ہے. وہ ان کے انڈر ہوتے پتہ چلتا تھا کہ بھائی کام چنگا کوئی نہیں ہوا. جب خوب باغ پھلا ہوتا تھا، کپاس بھی جھوم رہی ہوتی تھی اپنے ٹہنیوں کے ساتھ، اور آم بھی ہوتے تھے، کنو بھی ہوتے تھے، ہر چیز بھرپور، تو جب وہ انٹر ہوتے تھے تو ان کی مسکراہٹ بغیر پوچھے ہی ہمیں بتا دیتی تھی کہ فصل بڑی اچھی ہے. ابا جی بڑے ہنس دے آ رہے ہیں، لگتا ہے کام ٹھیک ہی. تم سب میرے دیس کی فصل ہو، آج تمہیں پھلدار دیکھ کر میرا بھی وہی حال ہے. کبھی میں روتا ہوں کہ یہ دنیا بھی عجیب ہے. زیادہ خوشی ہو تو بھی آدمی روتا ہے، زیادہ غم ہو تو بھی روتا ہے. یہ وہ کمبخت جہان ہے جہاں خوشی کا اظہار بھی آنسوؤں کے ساتھ ہوتا ہے. تو میرے جذبات کا میرے الفاظ ساتھ نہ دے پائیں گے، گھنٹہ بولوں، ڈیڑھ گھنٹہ بولوں، سوا بولوں، کہ جہاں ایک طرف تاریکی چھا رہی ہے اور ایک طرف کفر، نافرمانی، فحاشی، بدکاری، نشہ اور آوارگی، ظلم و ستم، بددیانتی، جہاں تاریک رات ہے، تو
तो वहाँ ये चराग भी जल रहे हैं और इनमें हर चराग में सूरज और चांद बनने की पूरी ताकत मौजूद। तो अब हमारे शम्स व कमर हो, हमारा सरमाया हो, हमारी दौलत हो, इस कौम की नौजवान नस्ल रास्ते पर हो, उन्हें सवाल नहीं आता, वो सर उठा के जीते हैं, जिंदा रहते हैं। जिस कौम की नौजवान नस्ल बेराह रवि का शिकार हो जाए, राहें भूल जाए, रास्ता भूल जाए, मकसद भूल जाए, किरदार साजी भूल जाए, उस कौम को जवाल से कोई बचा नहीं सकता। कौमों के उरूज और जवाल बाहर से नहीं आते, अंदर से आते हैं। जब इज्जतों के निज़ाम चलते हैं तो पहले अंदर कुछ बनता है, जब जिल्लत के फैसले उतरते हैं तो पहले अंदर कुछ बनता है। रात सूरज के डूबने पर हिम्मत हमला करती है, सूरज के डूबने से पहले रात नहीं आती। जब सूरज डूबता है तो रात को आने से कोई ताकत रोक नहीं सकती, और जब वो चढ़ता निकलता है तो फिर रात को टिकने पर कोई ताकत उसे टिका नहीं सकती, उसे जाना ही होता है। तो मेरे अजीजों, आपके वाइस चांसलर मोहतरम ने चंद जुमलों में बहुत कुछ कहा है, इसमें एक लफ्ज़ किरदार आया है। किसी भी बच्चे बच्ची मर्द औरत पढ़े लिखे अनपढ़ का सबसे बड़ा सरमाया उसका किरदार है, उसके अखलाक हैं, उसका मीठा बोल है, उसका दरगुजर माफ़ करना है। और किसी भी बड़े छोटे का सबसे बड़ा नुकसान, नाकाबिले तलाफी नुकसान, वो उसकी बद अखलाकी है, उसकी बद जबानी है, उसके जुल्म सितम की शक्लें हैं। ये वो नुकसान है जिसे वो पूरा नहीं कर सकेगा। 1,24,000 अंबिया न ज़रात सिखाने आए, न हुकूमत सिखाने आए, न कपड़े बनाना सिखाने आए, न खेत खलियान, न घर गलियां, वो सिर्फ एक चीज सिखाने आए कि ये मर्द औरत, ये बच्चा बच्ची अच्छे इंसान का रूप धारे और इंसानियत को अच्छाई देकर जब दुनिया से जाए तो ये रो रहे हों और आसमान के फरिश्ते मुस्कुरा रहे हों कि मेहमान आ रहा है, VIP आ रहा है। ऐसा मरना न मरें कि दुनिया कहे जान छूटी और अल्लाह कहे आसमान के दरवाजे बंद कर दो इस बदबख्त के लिए और उसे तख्त सरा की जेल में डाल दो। तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो आपने उनकी कब्र पे खड़े होकर ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मल कतलहा तदहक इलैह व यदहक इलैक, मेरे अल्लाह जब तलहा तेरी बारगाह में पेश हो तो तू इसे देख के मुस्कुराए, ये तुझे देख के मुस्कुरा। ऐसी जिंदगी कि जब अल्लाह का सामना हो तो हमें देख के खुश हो, मेरी बंदी आ गई, मेरा बंदा आ गया। मेरे रब की कसम बच्चों, अगर अल्लाह राजी है तो मौत से खूबसूरत कोई पैगाम नहीं, बहुत आलीशान पैगाम, छुट्टी। आपको छुट्टी का मजा नहीं आता? हफ्ते की रात कितनी अच्छी लगती है कि यूनिवर्सिटी नहीं जाना, इतवार की रात कितनी अच्छी लगती है यूनिवर्सिटी नहीं जाना। मेरे रब की कसम, अगर अल्लाह राजी हो गया मौत छोटी। कुछ बातें बचपन की। सेंट्रल मॉडल स्कूल से मैंने मैट्रिक किया है, पढ़ने का शौक नहीं था, माँ बाप ने धक्का दिया कि तेनों डॉक्टर बनावना है, तो जहन अच्छा था लिहाजा पास तो हो जाता था और अच्छे नंबरों से होता था, पढ़ाई कोई नहीं थी, पढ़ाई मेरी थी। वैसे तुम इस पर अमल ना करना, वैसे सुनाता हूँ तुम डब्बा थी तो यकीन माने ये आपको मैं आप बीती सुनाओ, अल्लाह के वास्ते इस पे अमल ना कर दो। सारा साल कुछ नहीं पढ़ना, फिल्मी रिसाले पढ़ने और फिल्में देखनी,
और जो इम्तिहान करीब तो मस्जिद दे दौड़, अल्लाह अल्लाह नमाज है, या तो जुमा भी नहीं पढ़ना और या इम्तिहान नेड़े है चल भाई अल्लाह वक्त। सुबह केमिस्ट्री का पेपर है और ये केमिस्ट्री की बुक है, अब दो नफल पढ़ गया था, या अल्लाह पढ़या तो है कोई नहीं, एडी वड्डी किताब है कित्थू पढ़ा, या अल्लाह जोड़ा कल पेपर आना ना बिचू कढ़ दे बिस्मिल्लाह। तालियां बजाओ पर अमल ना करना। अच्छा पता नहीं कोई मेरे रब की रहमत थी मेरे ऊपर, मैं कोई 15-20 दफ़ा ये करता है, या अल्लाह कल दा पेपर बिचू कढ़ दे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो एक दफ़ा मैं पूरे स्कूल में सेकंड आया, तो मेरे टीचर को तो खुश होना चाहिए था, मोहम्मद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मेरे कान पगियां से ये यहाँ की उनकी जो थी वो सख्ती और शिद्दत मुझे आज भी याद आ गई, कहने लगे ओए वो तू पढ़ता था है नहीं, तू सेकंड के में आ गया, तू नकल मारी है। मैं कह उस्ताद जी बिस्मिल्लाह दा कमाल। पता नहीं तो मैं क्या कहना चाहता था, लतीफा बन गई मेरी कहानी। और एक दफा एफएससी में जूलॉजी का प्रैक्टिकल था और मुझे तो कुछ नहीं आता, और दिन जुमे का दिन था मुझे याद, तो मैंने बड़े एहतमाम से जुमा पढ़ा और जुमे के बाद दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे आता जाता कुछ नहीं है, मैं अभी जाके सो जाऊंगा, किताब सराने रखूंगा, तू जो पेपर आना ना मेरे ख्वाब में दिखा दे। जुमा पढ़ा, जुमा पढ़ के आया, किताब सराने रखी और खा के सो गया। थोड़ी देर बाद मैंने ख्वाब देखा कि मैं लेबोरेटरी में बैठा और हमारे सामने खरगोश रखे गए, वो डिसेक्शन करते थे वो एफएससी में, खरगोश रखे, और इधर से एक साहब अंदर एंटर हुए, सफ़ेद शर्ट सफ़ेद पतलून हाफ स्लीव, और उन्होंने 5 सवाल लिखा है, क्वेश्चन याद नहीं क्या थे, रैबिट का याद है, इसकी डिसेक्शन करो और डाइजेस्टिव सिस्टम को वाजे करो, बाकी चारों। मेरी आंख खुल गई, मैंने जल्दी जल्दी किताब खोली, वो 5 सवाल देखे उनको, अच्छा जहन अच्छा था तो मुझे वो ज़्यादा रट्टा नहीं लगाना पड़ना था, पड़ता था जल्दी याद हो जाता था। पहुँच गया लेबोरेटरी, पहला काम हुआ खरगोश आ गया, मैं कह लिया भाई पहला काम तो हो गया। थोड़ी देर गुजरी तो बिल्कुल वही हुलिया, वही साहब सफ़ेद शर्ट स्लीवलेस सफ़ेद पतलून, और आके उन्होंने 5 सवाल लिखाए जो मैंने ख्वाब में देखे थे, उनमें से सिर्फ एक बाहर था, बाकी 4 वही थे, 4। और था कोई से 4 करें, कोई से 4। तो हमारी बल्ले बल्ले हो गई। एक है मैं इस इम्तिहान में पास हो जाऊं, वो तो आदमी ऐसे भी हो जाता और नकल मार के भी हो जाता, और दूसरा है कि मैं अल्लाह की बारगाह में पास हो जाऊं, मैं अल्लाह की बारगाह में पास हो जाऊं। तो मुझे चूंकि शौक नहीं था पढ़ने का, तो आखिरी घंटी का मुझे इंतजार रहता था, छुट्टी, मैंने कहा था ना मौत क्या है, छुट्टी है। तो हमारा पीएन होता था मिस्री खां, लंबा कद पठान था, तो मैं सबसे पीछे बैठा होता था ताकि मैं टीचर की नज़र ना पड़े मेरे ऊपर, मैं इनको गलत तो नहीं सबक दे रहा।
अल्टीमेट नतीजा ठीक होगा। कहानी जैसी भी हो नतीजा ठीक। तो मैं वो मिस्री खान की बेल का मैं इंतजार किया करता था, तो जब वो टन की आवाज आती ना आखिरी पीरियड, तो मैं पीछे से नारा लगाता छुट्टी और यूं जंप करता था। मेरे अजीजों, मौत पीछे लगी हुई, बड़े जवान की कैद कोई नहीं है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, चल चलाओ का जहान है, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, टुक हिर्स व हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नकारा, क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी फल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जाओ म्यानी के कब्रिस्तान में देखो, वो जो कहा करते थे लाहौर नो असी मोटा दिता है, आज उनकी कब्रों के निशान मिट गए, उनके जिस्मों को मिट्टी ने मिट्टी कर दिया, कीड़ों ने उन्हें रेत बना दिया, कबर की तपेश ने उनकी हड्डियों को भी चूरा चूरा करके नामो निशान तारीख से मिटा दिया, औलाद भूल गई कि प्यो किथे थे माँ किथे, बीवी किथे थे खामिन किथे, ये चल चलाओ का जहान है, यहाँ कामयाब वो बच्चा बच्ची है, वो मर्द औरत है जो अपने किरदार को बना गया, कि जब मौत आए तो अल्लाह इस्तकबाल में हो, अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के रसूल करबला की तारीख लिखी जा रही है, जुल्म की भी और मजलूम की भी, और कायनात भी हैरान है ये कैसे सर फिरे हैं जो अल्लाह पे यूं कुर्बान हो रहे हैं। और इमाम आली मकाम की आंख लग गई, आंख खुली तो हंसे, तो बहन जैनब ने पूछा ये कौन सा हंसने का वक्त है, फरमाया बहन अभी आंख लगी अल्लाह के नबी ख्वाब में आए, फरमाया बेटा मैं लेने आ चुका हूं, मैं लेने आ चुका हूं। मेरे बच्चों आज गफलत का माहौल है, और कोई शक नहीं अंधेरे ज्यादा हैं, लेकिन ये टिमटिमाते चिराग सूरज और चांद में बदल सकते हैं, अगर सच्चाई सीखो, दयानतदारी सीखो, इंसाफ सीखो, तवाजो सीखो, आजजी सीखो, मिटना झुकना सीखो, माफ करना सीखो, सखावत सीखो, तुम कट्ठे पढ़ते हो लड़के लड़कियां, पाक दामनी सीखो, बैरियर कायम करना सीखो, अपने दामन पे धब्बे को लगने से बचाओ, आलूदगी से बचाओ, कि वो ना सोया है ना ऊंघता है, ला ताखुज़ुहु सिना वला नौम, वो नींद से पाक है, वो ऊंघ से पाक है, वो रब्बुस समावात वल अर्द है, वो जमीन आसमान का शहंशाह है, लहू मुल्कुस समावात वल अर्द, जमीन आसमान का अकेला मालिक है, लहू मा फिस समावात, आसमानों पे शहंशाही, व मा फिल अर्द, जमीनों पे शहंशाही, व मा बैनहुमा, दरमियान में शहंशाही, व मा तहत अस्सरा, जमीन के आखिरी 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 परत तक उसकी शहनशाही, उसका राज, न उसका कोई शरीक है, न उसकी कोई बीवी है, न उसका कोई बच्चा है, लम यलिद व लम यूलद, कोई बाप नहीं किसी का, कहीं कोई उसका बेटा नहीं, ना कुछ जना है, ना किसी से पैदा हुआ है, वो वलम यकुल्लहु कुफ्वन अहद, अपनी जात में बेमिसाल है, सिफात में बेमिसाल है, दूर इतना है कि नजर ना देख सके, ख्याल ना पहुंच सके, करीब इतना है कि शारक से भी ज्यादा करीब है, ला तराहुल उयून, तुम्हारी आंख नहीं देख सकती, ला तुखालितुहुल ज़नून, तुम्हारा तसव्वुर वहां तक नहीं जा सकता, लेकिन जिस वक्त वो इतना दूर है उसी वक्त नहनु अकरब इलैह मिन हब्लिल वरीद, वो मेरी शारक से ज्यादा मेरे करीब है।
اینما تولوا فثم وجه اللہ, آگے دیکھو پیچھے دیکھو دائیں دیکھو بائیں دیکھو اوپر دیکھو, اللہ ہی اللہ ہے, اسی کے جلوے اسی کی قدرت, یہ پہاڑوں کی چوٹیاں, یہ بہتے ہوئے دریا, یہ گرتے ہوئی بارش, یہ بلکھاتی ہوئی ندیاں, یہ گنگناتی ہوئی آبشاریں, اور یہ چہچہاتی ہوئی چڑیاں, اور یہ گاتی ہوئی بلبل, اور یہ کوکتی ہوئی کوئل, یہ سب بتاتے ہیں کہ میرے پیچھے کوئی ذات ہے. یہ مٹی کا وجود کیوں بول رہا ہے, کیوں دیکھ رہا ہے, کیوں سن رہا ہے, کیا علم اس کے اندر سے نکل رہے ہیں, کیا اس کے اندر سے خزانے نکل رہے ہیں, اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ ہے. اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو, کوئی اس کے سوا معبود نہیں, شریک نہیں. وہ کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنا, وہ اونگتا نہیں. وہ کیسا ہے؟ ولا نوم, وہ سوتا نہیں. وہ کیسا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض, زمین آسمان کا شہنشاہ ہے. وہ کیسا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, عالم الغیب والشہادت, هو الرحمن الرحیم. وہ کیسا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليش الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذلكم الله ربكم الحق. یہ بچوں میرا آپ کا اللہ ہے. کہاں جاؤں چھپ کے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم, تین بیٹھے ہیں آواز آئی چوتھا اللہ ہے. ولا خمسۃ, پانچ بیٹھے ہیں آواز آئی, الا هو سادسہم, چھٹا تمہارے ساتھ اللہ ہے. دو بیٹھے ہیں, دس بیٹھے ہیں, اللہ ہو معہم, تمہارے ساتھ ہے. کدھر جائیں گے؟ این المفر, کدھر بھاگیں گے؟ رات کا اندھیرا کچھ چھپاتا نہیں, دن کا اجالا کوئی واضح کرتا نہیں. آسمان کو سنبھالے تو زمین سے غافل نہیں, زمین کو سنبھالے تو جنگل سے غافل نہیں, جنگل کو سنبھالے تو صحراؤں سے غافل نہیں, صحراؤں کو سنبھالے تو پہاڑوں سے غافل نہیں, پہاڑوں کو سنبھالے تو سمندر سے غافل نہیں, سمندر کو سنبھالے تو پرندوں سے غافل نہیں, پرندوں کو سنبھالے تو مچھلیوں سے غافل نہیں, مچھلیوں کو سنبھالے تو ندی نالے دریاؤں سے غافل نہیں ہے. شرق و غرب و شمال و جنوب, اول اور آخر, ظاہر اور باطن, والی اور متعال, یہ میرا اللہ ہے, یہ میرا خالق ہے, اس نے مجھے پیدا کیا ہے, مجھے مرکز کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ میری زندگی امانت ہے, یہ میری زندگی امانت ہے. میں خود بخود نہیں پیدا ہوا, ایک بہت بڑا طبقہ دنیا میں ہے جو پہلے بھی تھا, جو آج بھی ہے, جو آئندہ بھی رہے گا. کچھ نہیں, سب مولویوں کی بکواس ہے, سب جھوٹ ہے. چلو مرضی کرو, موج کرو. میرے رب کی قسم, کوئی یہاں موج کرنے نہیں آیا, نہ کوئی کر سکتا ہے. شراب پینے کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں, بدکاری کرنے کو موج تھوڑا ہی کہتے ہیں, اور مال ملک کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں, دل کی خوشی کو موج کہتے ہیں. اور اس خوشی پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے. وہ پیسے سے نہیں آتی, وہ شراب سے نہیں آتی, وہ عورت سے نہیں آتی, وہ عہدوں سے نہیں آتی. اضحک و ابکا, خوشیاں اللہ دیتا ہے, آنسو اللہ دیتا ہے. اس دل کو خوش کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آزاد ہو جاؤ, یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دو. یہاں اس
इस उस जहान की खुशियों का रास्ता है। अल्लाह के सामने झुक जाओ कि इसका कायनात का पत्ते से लेकर हमारी पहाड़ तक खालिक अल्लाह ताला है, अल्लाह है, अल्लाह है। अल्लाह मेरे शायर की कब्र रोशन करे। अरबी भी अच्छी पढ़ी, अल्लाह का फजल है। उर्दू तो अपनी जुबान है, अंग्रेजी भी पढ़ी, अल्लाह का फजल है। फारसी की भी शुद्ध बुद्ध ली। मैंने ऐसा शायर नहीं देखा, ना उर्दू में, ना अरबी में, ना फारसी में। ये तो मेरी जुबान, अंग्रेजी तो वैसे ही पता नहीं क्यों हो जाइए, उसमें तो शायरी है भी सही है। मेरे शायर का कहना है, हिच चीज़ें खुद ब खुद चीज़ें नशुद, हिच आहन खंजरे तेरे नशुद, हिच हलवा ई नशुद उस्ताद का, ता गुलाम शक्र रेज़े नशुद, मौलवी हरगिज़ नशुद मौला रूम, ता गुलाम शम्स तबरेज़े नशुद। मौलाना रूम और शम्स तबरेज़ पीर मुरीद इकट्ठे हैं कूनिया में, तुर्की का शहर है कूनिया। इधर मुरीद साहब हैं, इधर पीर साहब हैं। मौलाना रूम पे फलसफा गालिब था। वो ये अशार क्या हैं? अलामा इकबाल फरमाते हैं, कोई चीज़ खुद ब खुद चीज़ नहीं बनती, पड़ा हुआ लोहा सदियां गुजर जाएं या करोड़ों गुजर जाएं साल, वो अपने आप खंजर नहीं बनता, सीखे बगैर कोई सीखा हुआ नहीं बनता। मौलवी रूम से मौलाना रूम बने जब शम्स तबरेज़ में के हाथों में हाथ दिया। तो इसकी एक कहानी है जिस पर उन्होंने ये रुबाई लिखी है, ये उन्होंने नज़म लिखी। इन पर फलसफा गालिब था, मंतिक, तो वो एक तकब्बुर पैदा कर देता है ये इल्म। मस्जिद में दर्स हो रहा है और उन किताबों का ढेर लगा, साथ हाउस था। शम्स तबरेज़ देहाती हुलिये में आए, पाँव में जूता भी नहीं था, पगड़ सा बांधा हुआ, तो बड़े भूलपन में कहते हैं, मौलाना रूम से इंचीस्त किताबें पढ़ी थी, इंचीस्त ये क्या है? तो उन्होंने देखा जाहिल, तो उन्होंने बड़े तकब्बुर से कहा, ई हाँ अस के तू नमीदाने, ये वो है जो तू नहीं जानता। वो एकदम आगे बढ़े, उन्हें पूरी किताबों को यूं धक्का दिया, तो जाके हौज में गिर गई। तो मौलाना रूम ने, ओ तेरा बेड़ा डूब जावे ओ ना मुरादा, एक ही की एक अड़ा कोई हूँ कंप्यूटर पे बिचू मैं दूसरी बारी काट लवा, वो ये तूने क्या किया, मेरी सारी जिंदगी की जोहद बर्बाद कर दी। तो मुस्कुराए, पानी में उतरे और एक एक किताब खुश्क मिट्टी उड़ रही और बाहर निकालते गए, निकालते गए, निकालते, सारी खुश्क किताबें धूल उड़ रही सामने रख दी। मौलाना रूम अफसर पकड़ के बैठे, ई चीज ये क्या है? तो अब शम्स तबरेज़ बड़ी मासूमियत से बोले, अस्त के तू नमीदानी, ये वो है जो तू नहीं जानता, जो तू नहीं जानता। फिर फलसफा रह गया, मंतिक भी रह गई, फिर मस्नवी मौलाना रूम वजूद में आई, जिसका इल्म आज भी बहते चश्मे पानी की तरह। मुझे अल्लाह को मानना है, मुझे अल्लाह को तस्लीम करना है, मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना है, मुझे मेरे रब ने मौत देनी है, फिर मेरे सामने खड़े करना है। मैं उस दिन सुरखरू हो जाऊं, मैं उस दिन कामयाब हो जाऊं, वो मेरे सीधे हाथ में पेपर पकड़ा दे और मेरा नारा हो, अभी आप लोग नारे नहीं लगा रहे थे, ये खुशी का इजहार होता है। फअम्मा मन उतिया किताबहू बियमीनिही, जिसके सीधे हाथ में पेपर आएगा, हो फयकूल हो, वो एक नारा लगाएगा, तो उसको कुरान ने लफ्ज बना दिया, हो ओ मुकरऊ किताबिया, वो किताब लेकर ना हो हो, वो कहेंगे तुम क्यों है मर्द या औरत, वो कहेगा या कहेगी, मेरा पेपर देखो, पेपर देखो, पास हो गया, पास हो गई। अब वो जो पकड़े हुए हैं वो कहेंगे, कैसे होगी, तुम कैसे पास हो गए? तो वो आगे कहेगी या कहेगा, इन्नी वनन तो अन्नी मुलाकिन हिसाबियत, मुझे पता था मुझे हिसाब देना है, मुझे हिसाब देना है, मेरे सर पर मेरे अल्लाह की नज़र है, वो मुझे देख रहा है, मैं तैयारी करता रहा। जैसे आप जो तैयारी करते हैं बड़े अच्छे नंबरों से पास हो जाते, जो हमारी तरह खाली किताबें खोल के देखते हैं फिर वो गुजारे नाली पास हो जाते। तो ऊपर से जवाब आएगा अल्लाह का, फहुवा फी ईशत रौदिया फी जन्नत आलिया उतूफ़ दानिया, मुबारक मेरे बंदे को वो आइडियल होम आइडियल लाइफ। देखो बच्चों, दुनिया आइडियल होम भी नहीं आइडियल लाइफ भी नहीं, ये पेपर है, पेपर हो रहा है,
مالدار کا بھی، فقیر کا بھی، بادشاہ کا بھی، عورت کا بھی، مرد کا بھی، پیپر ہے جو دینے میں کامیاب ہو گیا، آئیڈیل لائف اب شروع ہوگی، تجھے ہو آئیڈیل لائف مبارک ہو. کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں. کیا اس میں؟ قطوفہا دانیہ، پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے پکے ہوئے. کیا کریں؟ کلو، کھاؤ، وشربو، پیو. ہنیہ، ہنیہ کیا ہے؟ کھاؤ گے بیماری کوئی نہیں، پکانا کوئی نہیں، پیو گے بیماری کوئی نہیں، پیشاب کوئی نہیں. کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو لاہور میں مجھے تم راضی کر گئے، مجھے راضی کر، آج اس کا صلہ ہے کہ جاؤ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤ. موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، دکھ مر گئے، غم مر گئے، بے چینیاں مر گئیں، شرمندگیاں مر گئیں، ہر دکھ درد میرا رب چن دے گا، چن دے گا. میرے عزیزو، ہم اس پیپر میں سے گزر رہے ہیں. اس اللہ کو راضی کرنے کا راستہ، وہ بایولوجی نہیں، وہ باٹنی نہیں، وہ زولوجی نہیں، وہ فزکس نہیں، وہ کیمسٹری نہیں، وہ سوشیالوجی نہیں، وہ سائنس نہیں، وہ ٹیکنالوجی نہیں. ایک راستہ، ایک، جیسے اللہ ایک راستہ ایک، اللہ ایک راستہ ایک. وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. یہ ساری میری نسل محمدی بن جائے. لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. لفظ اللہ چار حرف ہیں، لفظ محمد بھی چار حرف ہیں. سبحان اللہ. لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں. اللہ، محمد، احمد، چار 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 مل کے بارہ بنتے ہیں. جب میرے رب نے کلمہ جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں. بیلنس کر کے ہمیں کلمہ دیا، اور یہ اعلان ہے، اعلان ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو سید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ قریشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو غلام محمد بننے کی ضرورت ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کچھ نہیں تھا، سب سے پہلے میرے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو وجود بخشا. میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، کائنات کو بنانے سے ہزار سال پہلے، کائنات کو بنانے سے ہزار سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. سورہ یاسین کی تلاوت میں پہلی آیت کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں. کوئی ہستی وجود میں آ چکی ہے جنہیں میرا اللہ کہہ رہا ہے آپ میرے رسول ہیں. ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا، کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. میں نبی بن چکا تھا اور آدم کی مٹی بھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی، آدم کی مٹی بھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. اس نبی کے در پہ یہ میری نسل، بچے بچیاں سر جھکائیں، میں آپ کے استاد، آپ کے وی سی، یہ کام کرنے والے سر جھکائیں، تو پھر اللہ تک پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں، کوئی چیز رکاوٹ نہیں. میرے عزیزو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان سے بڑا رسول، بڑا رہبر، بڑا ہادی. سارے جنتی جنت کے دروازے پر ہیں، سب پل صراط پار کیا، پہنچ گئے جنت کے دروازے پر، لیکن دروازے بند ہیں. کیا ہوا؟ ارے بھائی، اندر کیسے جائیں؟ تو آگے دو چشمے چل رہے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے، سینے کا غصہ، حسد، کھوٹ اور پیٹ کا پیشاب پخانا ختم، دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے تر و تازہ، لیکن دروازے بند ہیں، اندر کیسے جائیں؟ تو آج اللہ اپنے حبیب کی شان دکھانا چاہتا ہے، تو یہ سارا جنتی مجمع آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، بجائے ہمارے نبی کے، آدم علیہ السلام کے پاس. ابا جان، دادا جان، اب دروازہ تو کھلوائیں. وہ کہیں گے، پترو میں تو تنوں کڑھایا، میں اندر کی دلے جاؤں؟ جو کسی اور نال گل کرو، کسی اور نال گل کرو. تو وہ آئیں گے، شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یوسف، یوشع، سب کے پاس جائیں گے، کہیں گے بھائی ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں. آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. چل چل، تھکے پڑے ہو،
या रूह अल्लाह या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, आप मेहरबानी कर दें। तो पिछले हर नबी इनकार कर रहा है, हर नबी ये फरमाएंगे कि है तो मेरा भी इनकार, लेकिन पिछलों ने नहीं बताया, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये दरवाज़ा खुलवाएगा कौन, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। उनका जी चलो एक दस दो जी, तो टोट टोट के थके पे, तो वो कहेंगे जाओ मोहम्मद मुस्तफ़ा के दर पे जाओ, आज वो दरवाज़ा खुलवाएंगे, और वो नहीं खुलवा सकते। तो ये अब सारा मजमा मेरे नबी के सामने, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह, आप तो अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह ने आपको हबीबुल्लाह बनाया, किसी को हबीब नहीं, एक को हबीब बनाया, एक को हबीब, नाम के साथ नाम जोड़ दिया, अपने नाम के साथ नाम जोड़ दिया, सारे अरशों तक के पर्दे हटाकर अपना आप जाहिर कर दिया, आमने सामने होकर सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। क्या हस्ती है, क्या रसूल है जो आंखों से अल्लाह को देखे और अल्लाह के कलाम को सुनकर सीना बर्दाश्त करे, बर्दाश्त करो, जवाब दें सामने, आपके सामने आए या रसूल अल्लाह ये दरवाज़ा, तो आप कहेंगे अना लहू, आज मैं ही खुलवाऊंगा, आज मैं ही खुलवाऊंगा, और आप सजदे में सर रखेंगे और कहा मैं अल्लाह की तारीफ करूँगा, वो तारीफ मुझे मेरा अल्लाह सिखाएगा, फिर मेरे रब की आवाज़ आएगी या हबीबी या मोहम्मद, ए मेरे हबीब, ए मेरे रसूल, इरफा रासक सल तोता इशफा तो शफा, मेरे महबूब आप सर उठाइए, सवाल कीजिए, पूरा होगा। तो कहेंगे दरवाज़ा या अल्लाह दरवाज़ा, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि आप पहल करें, यानी आपके हम वो रिबन को आकर ऐसे काटते हैं, तो मेरे नबी से अल्लाह कहेंगे चलिए आप पहल कीजिए, रिबन काटिए, तो जन्नत से एक सवारी आएगी उड़ती हुई, पर होंगे उसके, आपके सामने लैंड करेगी, आप उसके ऊपर ऐसे तशरीफ़ फरमा हो जाएंगे, तो उसकी जो लगाम है वो नीचे गिर जाएगी, ऐसे नीचे गिर जाएगी। इस लगाम के नीचे गिरने का मतलब है कोई और आकर इस सवारी को चलाएगा, ड्राइवर कोई और है, कोचवान कोई और है, और कोचवान बन रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा का, लिहाजा हर आंख उठेगी सवालिया भी और तलब भी कि मैं कौन, मैं या कौन, किसको मिलेगी, ये अबू बकर है, ये उमर है, ये उस्मान है, ये अली है, ये हसन है, ये हुसैन है, जो लाडले हैं, आंखों की ठंडक हैं, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, मेरे नबी के दिल की रौनक हैं, इनको मिलेगी। मेरे रब की आवाज़ आएगी बिलाल हबशे को बुलाओ, रस्सी पकड़ो, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा किस्सा है, और हर एक के मुंह से कोई ना कोई कुफार ने निकलवा लिया, ये वाहिद है, जितनी मार खाई कहता था अहद उन अहद, जितने कोड़े पड़े ये कहता था अहद अहद, रेत पे लिटाया अहद अहद, आग पे लिटाया अहद अहद, मक्के की गलियों में घसीटा अहद अहद, आ बिलाल आज इसका सिला पा, तू मेरे नबी की सवारी को लेके चल, सुभान अल्लाह। सारे सैयद कुरैशी वेंदे रह गए, तो कमी बंदा ले, वो कमी तो नहीं है, वो तो आज का बादशाह है, उस माहौल की बात करके बता रहा हूं कि वो गुलाम गुलाम के बेटे, गुलाम गुलाम के बेटे, और मेरा एक पीछे का वाक्य सुनो, जब हजरत जब हमारे नबी का विसाल हुआ तो जोहर की नमाज के करीब था, तो नमाज का वक्त एंटर हुआ, तो बिलाल अजान देने चढ़े, जब अशहदु अन्ना मुहम्मद कहा तो हिचकी बंद गई और आवाज़ बंद हो गई, और काफ़ी देर तड़पते रहे, फिर मुश्किल से अजान पूरी की और नीचे उतर कर कहा कि तुम गवा रहो, मेरे नबी गए मेरी अजान भी गई, आज के बाद मैं कभी अजान नहीं दूँगा। और आपके इंतकाल के बाद अबू बकर से इजाज़त लेकर जिहाद में चले गए, 6 महीने तक मदीने लौटे नहीं, तो मेरे नबी ख्वाब में आए, बिलाल ये क्या बेवफाई, हमारे पास आना ही छोड़ दिया, मेरे नबी के तो लाखों सहाबा जिहाद में निकले हुए थे, लाखों निकले हुए थे और इस्लाम का झंडा लहरा रहे थे और सब पर अल्लाह राजी है, तमाम सहाबा जन्नती हैं, कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, मेरे रब का फरमान है कि मेरे हबीब तेरे तमाम सहाबा के लिए मेरा वादा है, सब जन्नत में जाएंगे। ये गुलाम को ख्वाब आ रहा है, बिलाल ये क्या बेवफाई है, आना ही छोड़ दी।
बिलाल ऐसे उस ख्वाब के सहर में गुम हुए कि उन्हें यूं लगा जैसे अल्लाह के नबी जिंदा हैं और याद फरमा रहे हैं। उन्होंने उसी वक्त ऊँटनी तैयार की, 3 हफ्ते का सफ़र 1 हफ्ते में किया, दिन रात ऊँटनी को भगाया और मदीने में एंटर होते ही नारे लगाने शुरू कर, या रसूलल्लाह मैं आ गया, मैं आ गया। जब करीब पहुंचे तो फिर ख्याल आया कि आप तो फौत हो चुके हैं। फिर उसकी चीख निकली, कब्र सामने थी उस वक्त, और जाके कब्र पे गिर गए से, कहा या रसूलल्लाह मैं तो आ गया हूँ, आप कहाँ? नमाज का वक्त दाखिल हो गया तो सब मदीने वालों को शौक हुआ कि आज बिलाल अजान दे, और बिलाल तो कसम खा चुके थे कि मैंने अजान नहीं देनी। तो सारे सहाबा गए हसनैन के पास, हसन हुसैन, मेरे नबी की आंखों की ठंड, कहा बच्चो आज सिर्फ आप हमारा काम करवा सकते हैं और कोई नहीं करवा सकते। उन्होंने बच्चों ने कहा क्या, 1-7 साल के थे, 6 साल के थे, कहा आज बिलाल से कहो अजान दे, और किसी की नहीं मानेंगे, अबू बकर भी कहेंगे तो नहीं मानेंगे। तो ये दोनों बच्चे आए, हसन 7 साल के थे, हुसैन 6 साल के थे, कहने लगे चचा एक दरख्वास्त। तो उनको ऐसे गले लगाया, तुम तो मेरी आंखों की, मेरे नबी की आंखों की ठंडक हो, क्या दरख्वास्त ना कहो, हुक्म करो, काज अजान तो देते। तो वो छलक पड़े, कहने लगे बच्चों मैंने कसम खाई थी कि मैं अजान आइंदा नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारी खातिर मैं कसम तोड़ता हूँ। जब वो उस दीवार पे चढ़ने लगे जहाँ चढ़ के अजान देते थे, तो उसी वक्त ही लोगों की सांसें बंद हो गई, सांस रुक गई, लम्हा थम गए, जैसे सूरज को भी कहीं करार आ गया हो, और सबकी नज़रें ऐसे लगी हुई थी, ऐसे लगी। एक अंसारी औरत का घर था मस्जिद के साथ, उसकी छत पे चढ़ के अजान देते, बस उन्होंने इतना ही कहा अल्लाह अकबर, तो मदीने में मातम बिछ गए और चीखो पुकार मच गए, और औरतें चीखती हुई घरों से बाहर निकल आई, और यूं लगा जैसे अल्लाह के नबी का जमाना वापस आ गया। ये इज्जत इस गुलाम को कहां से मिली है? दर मुस्तफा से मिली। तुम्हारी इज्जत ये नहीं है कि तुम बड़े मालदार बन गए हो, तुम बड़े ओहदेदार बन गए हो, तुम्हारी इज्जत, मेरी इज्जत, इन सब की इज्जत ये है कि मेरा रब क़यामत के दिन कह दे कि हाँ ये मेरे नबी के नौकर हैं, मेरे नबी के कमी हैं, मेरे नबी के गुल। आज बिलाल मुबारक हो, तुझे क्या ओहदा मिला है कि नबी की सवारी पकड़ के जा रहे हैं और पीछे सारी उम्मत जा रही है। उस दिन जिसने इज्जत पाई वो इज्जत वाला है, उस दिन जो जलील हुआ वो जलील ख्वार है, उस दिन जिसको अल्लाह ने ये परवाना दे दिया सीधे हाथ में, वो है बादशाह, वो है कामयाब, वो है इज्जतदार, और उस दिन जिसके उल्टे हाथ में मिल गया वो जलील ख्वार है, तबाह बर्बाद है, हलाक हो गया। ओ मेरे अजीज, अल्लाह की कसम, जहन्नुम में एक सुई के नाके के बराबर सुराख कर दिया जाए तो उससे निकलने वाली आग पूरी दुनिया को राख बना दे। एक पानी का कतरा जो पीने के लिए दिया जाएगा, जमीन पे गिर जाए तो जमीन पे मीठे फल होने बंद हो जाएंगे, और जन्नत के पानी का एक कतरा जमीन में उतार दिया जाए तो तहत सरा तक जमीन शहद बन जाएगी। समंदर में एक पानी का कतरा डाल दो जन्नत के पानियों का तो सातों समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएंगे। जन्नत की औरत उंगली का इतना हिस्सा सूरज को दिखा दे तो सूरज बेनूर हो जाए, अपने दुपट्टे को नीचे करके आसमान से नीचे लहरा दे तो सारी कायनात में खुशबू फैल जाएगी। ये दो इंतहाएं हैं जो तैयार हैं, इन लहा लगा नजात, वो एक भड़कती आग है जो खाल को खींच देगी। वजूह यौम इज़ बासिरा तज़न्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाख़िरा
उस दिन चेहरे वीरान बर्बाद भी होंगे और चेहरे खूबसूरत चमकते धमकते मुस्कुराते भी होंगे। उस दिन बाहों में बाहें डाल के चलने वाले भी होंगे और उस दिन दुहाई देने वाले और सर के बल घिसट के चलने वाले भी होंगे। ये दो अंजाम है, एक खौफनाक है एक खूबसूरत है। खूबसूरत का रास्ता मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरवाजे से होकर जाता है। मेरे बच्चों ये डिग्री ले लो, तुम्हारे ये डिग्री मिले ना मिले, अगर ये डिग्री हाथ से चली गई तो अल्लाह की कसम बड़ी बर्बादी है, बहुत बर्बादी है। बिलाल आगे आ गया मेरे नबी सवारी पे। बिलाल की शान देखो आज, मेरे नबी टक 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 दरवाजे पे दस्तक देंगे, अंदर से आवाज आएगी कौन, तो आप कहेंगे मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो एकदम दरवाज़ा खुलेगा, तो आगे जन्नत का बड़ा फरिश्ता जीएम रिजवान, मरहबा या रसूलुल्लाह, आपके रब का इरशाद था जब तक मेरे नबी ना आए दरवाज़ा नहीं खोलना है, और आपके रब का इरशाद था कि मैंने उठ के खोलना है, मैंने आज तक किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोला ना आइंदा किसी के लिए खोलूँगा, ये आपका खसूसी प्रोटोकॉल है कि मैं आपके लिए खुद दरवाज़ा खोल रहा हूँ। आप अंदर एंटर होंगे और आपने फरमाया मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग पहले जाएंगे, मेरी उम्मत के ये रेड़ी वाले ये खांचे वाले ये रिक्शे वाले ये चिंगची वाले कई ये पहले जाएंगे, मालदार भी जाएंगे लेकिन वो पीछे होंगे और गरीब लोग मेरे साथ साथ होंगे। और आपको अजीब हदीस सुनो, आपने फरमाया जब मैं एंटर होंगा तो कुछ औरतें मेरे आगे मेरे दाएं तरफ से होकर आगे निकल जाएंगी, मुझसे आगे निकल जाएंगे, तो मैं उनको कहूँगा तुम कौन हो, तुम मुझसे आगे कैसे निकल गई, वो कहेंगे या रसूल अल्लाह हम आपकी वो बेटियां हैं जो जवानी में बेवा हो गईं और बच्चों की तरबियत की खातिर दूसरी शादी ना की, आपने फरमाया वो मुझसे भी आगे जा रही हैं। तो मेरे अजीज़ो अल्लाह आपको दुनिया का इल्म भी खूबसूरत दे, इतना दे कि आप बाहर की डिग्रियों के मोहताज ना रहो, आपको अमेरिका और फ्रांस और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की डिग्री की मोहताजी ना रहे, तुम्हारी अपनी तुम्हारा अपना इल्म इतना ज़बरदस्त हो कि तुमसे सीखने लोग आए। यह तब होगा जब हमारे इदारे इल्म देने वाले बने और तुम लेने वाले बने, ना तुम लेने वाले हो ना ये देने वाले। मेरी नस्ल में सिर्फ डिग्री का शौक रह गया कि मुझे पेपर हाथ में आ जाए और मुझे कोई जॉब मिल जाए, मुझे कोई जॉब मिल जाए, मुझे कोई जॉब मिल जाए। मैं चाहता हूं तुम्हारे सीने इस इल्म के साथ इतने रोशन हों कि दुनिया तुम्हारे सामने झुके। अल्लाह ने आदम के सामने फरिश्तों को झुकाया इल्म की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर। जब फरिश्ते झुक गए तो दुनिया की ताकतें भी झुकेंगी। अब इल्म वाले बनो, सिर्फ डिग्री वाले ना बनो, इल्म वाले बनो, इल्म वाले बनो। وعلم آدم الأسماء كلها اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। हमारी शान इल्म में पोशीदा है, हमारी बड़ाई इल्म में पोशीदा है, लेकिन मेरा दर्द है मेरा दुख है कि मेरी नस्ल को इल्म का शौक नहीं, सिर्फ डिग्री का शौक, जॉब मिल जाए डिग्री मिल जाए चाहे कुछ भी ना आता जाता हो। दरे मुस्तफ़ा पर झुकने के लिए कोई लंबे चौड़े काम नहीं है, चंद बातें बताता हूँ इसी से सारा काम हो जाएगा। एक नमाज है जो मेरे रब ने पांच वक्त फ़र्ज की है, उसमें माफ़ी कोई नहीं है। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए, सुभान अल्लाह किस अंदाज से आए कि पैदा हुए, पैदा होने की शान ये थी कि खतना माँ के पेट से हुआ पड़ा था, पैदा होने की शान ये थी कि नाफ और आंत कटी हुई थी माँ के पेट से, पैदा होने की शान ये थी कि आप बाहर निकले तो खुशबू फैल गई, गंदगी कोई नहीं बाहर आई, खुशबू फैली नूर फैला और महक गया पूरा कमरा। पैदा होने की शान ये थी कि जब माँ के पहलू में लिटाया तो आपने एकदम करवट बदली, उमा भी डर गई दाई भी डर गई, शिफा बिनते असद आपने उस सजदे में सर रखा ऐसे फुल सजदा घुटने उठा के हाथ रख के,
یعنی اوندھے نہیں ہوئے، سجدے میں گئے، سجدے میں، وہ لمبا سجدہ کیا، وہ لمبے سجدے کے بعد یہاں اس ہاتھ پہ زور اور یوں چھاتی اٹھائی اور اس ہاتھ کو اوپر کر کے انگلی ایسے کی تو نور ہی نور چاروں طرف پھیل گیا، اور پھر آپ گرے اور معصوم بچہ آتے ہی سجدہ لے کر آئے، امت کو پیغام دیا کہ سجدے لایا ہوں، وہ جی پڑھی نہیں جاندی، وہ جی میٹنگ تھی، وہ جی یہ تھا، وہ جی لیکچر تھا، ہائے ہائے، کربلا سے بڑی مصیبت تو نہیں آتی تم پر جب وہاں میرے نبی کے نواسے نے نہیں چھوڑی تو باقیوں کے لیے چھوڑنے کی گنجائش مٹا دی ہے، اور جب دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کے آخری الفاظ تھے السلام وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، اور پھر آخری الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، نماز کی ریشو بڑی ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے اقبال ہاسٹل میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، میں وہ بیچ میں ایک گول لان تھا اس میں تین چار لڑکے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، میں کھڑا ان کو دیکھتا تھا، ایک میرے ساتھ سینٹر ماڈل سے آیا تھا عباس شاہ، وہ تو میری نظروں میں اب بھی ہے، باقی تین چار اور تھے جو اور اسکولوں سے آئے تھے، تو اس کے علاوہ وہ ویرانی تھی، لیکن اب یہ نقشے مجھے فصل بہار دکھا رہے ہیں، تو میں آپ سب بچے بچیوں سے، آپ کے استادوں سے، یہاں کے کام کرنے والوں سے، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، میرے رب نے 50 فرض فرمائی، 50، اور میرے نبی پہ قربان جاؤں انہوں نے لے لی، یہ نہیں کہا اللہ پڑھیں گے کیسے، 50 لے جا میرے، کہا لے جاتا ہوں، اور میرے نبی تو ایسے مقام پر تھے کہ انکار نہیں کیا، تو مجھے لگتا ہے پڑھا تو کہیں نہیں لیکن لگتا ہے کہ اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو کہ 50 لے گیا میرا نبی، انہیں 5 نہیں پڑھنی ہے، 50 کی تو پڑھنی، ان کو میرے پاس واپس بھیجو، مجھے لگتا ہے پڑھا کوئی نہیں، تو سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے چھٹے آسمان پر، یا رسول اللہ کیسی رہی ملاقات، بہت اچھی رہی، 50 نمازیں ملیں گا، تو وہ تو وہ تو وہ ایک کون پڑھے گا، واپس جاؤ جی، تھوڑی کرواؤ، اچھا واپس، تو اب اللہ نے 5 ہی دینی تھی نا، 5 دینی تھی، تو اللہ کہتے چلو میرے نبی 45 معاف، اللہ کہا اچھا چلو میرے نبی 5 معاف، 45 باقی واپس، پھر آگے منہ سے کھڑے جی کیا ہوا، کہا 45، کہا نہیں نہیں واپس جائیں بہت زیادہ، پھر واپس 5، پھر واپس 5، پھر واپس 5، پھر واپس 5 کر کے نیچے آ رہے ہیں، کٹھے کیوں نہیں معاف کر رہے، آپ کو بتانے کے لیے کہ نماز بہت بڑی دولت ہے، اس کے لیے ہر کام چھوڑا جا، اگر کربلا کی جنگ چھوڑی جا سکتی ہے تو ہر چیز چھوڑی جا سکتی نماز کی خاطر، جب 5 رہ گئے آگے پھر موسیٰ کھڑے تھے جی ہن کی بنی، کہ جی 5 ہے کہ واپس جاؤ، پنجاب یونیورسٹی والے ایک نہیں پڑھنی، 5 کتوں پڑھنی، یا رسول اللہ واپس جائیں نہیں پڑھیں گے، کھنیا مجھے شرم آتی، اب میں نہیں جاتا، 5 کم ہو رہی ہیں، ابھی گیا تو پھر یہی 5 بھی چلے گئیں پھر کیا بنے گا، تو کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے، میں نے تو اپنی قوم کو آزمایا تھا، ان پہ 2 نمازیں فرض تھیں انہوں نے وہ بھی کوئی نہ پڑھی، ان کی 2 نمازیں تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت بس، اور اس میں باجماعت نہیں تھی، اذان نہیں تھی، اپنے اپنے گھر میں پڑھو، اپنے عبادت خانے میں پڑھو، اور نماز میں تلاوت نہیں تھی، صرف تسبیح، ہماری نماز میں تو تلاوت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، اور عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں کہ میں حرم میں تھا تو عثمان اندر آئے، ہاتھ میں جوتا کونے میں رکھ کر اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دی، جب الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوئے تو مجھے خیال ہے میں دیکھوں کتنی تلاوت کرتے ہیں، تو الف لام میم ذالک الکتاب سے چلتے 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 قل اعوذ برب الناس پہ جا کے پورا قرآن ایک رکعت میں ختم کر کے رکوع کیا اللہ اکبر، تو ہم چلو قل ہو اللہ پہ ایک رکعت مکا دیں، انا آتینا پہ ایک رکعت مکا دیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی قوم نے، میری قوم نے نہیں پڑھی، 2 نہیں پڑھی، یہ 5 کہاں سے پڑھیں گے، آپ نے کہا بس موسیٰ اتنا ہی ہے، آپ آگے چلے تو پیچھے سے اللہ کی آواز ہے، میرے محبوب آپ کا رب اپنے وعدے پر قائم ہے، آپ اپنی بات پہ قائم ہے، آپ کی امت پڑھے گی 5، لکھوں گا 50،
पांच पढ़ेंगे लिखूंगा पचास, पचास ही होगा, तो ये किसकी आदत डालो ना। लेकिन नमाज के नाम पे लेक्चर के से जान छोड़ा जाओगे, चलो शुक्र है लेक्चर तो जान छुट्टी। कोई चपड़ासी ड्यूटी से जान छोड़ा, चलो शुक्र है ड्यूटी तो जान छुट्टी। मसीते वह के जी अल्लाह कर रहे हैं इस वक्त, तेरे नफल पढ़ने तेरी इबादत नहीं, फर्ज पढ़ के अपनी ड्यूटी पे आ, ये तेरी इबादत। कि शैतान कई रास्तों से आकर हमें बहुत से हीले बहानों से वो कैसे क्या कर देता है। तो मेरे नबी की ज़िंदगी में नमाज सबसे सरे फहरिस्त रही। आप बच्चों बच्चियों नमाज पढ़ो, नमाज से जीना छुड़ाओ। जब कोई दुख दर्द आए मुसल्ला बिछा दो, देखो कैसे रास्ते मिलते हैं, किस तरह अल्लाह ताला राहें खोलता है। और उसके बाद रोज़ा है तो वो जब आएगा तो देखा जाएगा, बीमार हो तो माफ़ है, मुसाफिर है तो माफ़ है, ज़कात मालदार पर है, हज मालदार पर है, रह के एक ही फर्ज रह जाता वो नमाज है, वो नमाज है, वो नमाज है, वो जो मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। उसके बाद जो बाकी जिंदगी है उसमें दो चार बातें बताता हूं, तो आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। हर चीज का एक मेकअप होता है जिससे वो चीज खूबसूरत हो जाती है। एक चेहरे का मेकअप है, एक लिबास का मेकअप है, एक कमरे का मेकअप है, एक ग्राउंड का मेकअप है, एक लेबोरेटरी का मेकअप है, या हॉल का मेकअप है, जिससे वो पुरकशिश होता है, खूबसूरत होता है। मेरे अजीजों, हर बड़े छोटे, हर मर्द औरत, हर लड़के लड़की, हर पढ़े लिखे अनपढ़ का मेकअप जो पानी से नहीं उतरता, जो पसीने से नहीं उतरता, जो बुढ़ापे से नहीं जायल होता, वो है, वो है, वो है मेरे नबी के अखलाक, मेरे नबी के अखलाक, मेरे नबी के अखलाक। और उसमें से दो बातें बताता हूं, दो दो बताता हूं। आपने कहा माज तुम्हें सारे दीन का खुलासा बताऊं, तो उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या है, तो आपने मुझे देखो यूं किया, मेरी तरफ देखो सारे, देख रहे हैं, आपने जबान बाहर निकाली और उसे पकड़ा यूं और कहा माज इस जबान पे काबू रखना। ये माज कौन है जिनको बच्चों की तरह समझाया जा रहा है, जिनके हाथ में क़यामत के दिन इस उम्मत के उलमा का झंडा होगा। और ये माज वो हैं, मैं इनकी कब्र पे गया फातिहा पढ़ने तो पूरे मकबरे में खुशबू फैली हुई थी और वो कब्र से आ रही थी, पूरे कमरे में खुशबू थी, ऊपर चादरें पड़ी थीं। मैं पहले समझा चादरों को किसी ने खुशबू लगाई हुई है। एक आदमी और खड़े थे, उन्होंने मेरे चेहरे को पढ़ लिया, वो मुझसे कहने लगे आपका क्या ख्याल है ये खुशबू कहाँ से आ रही। मैंने कहा चादरों से, कसूंगो, तो कुछ चार पांच चादरें थी, मैंने एक एक को सूंगा, किसी में खुशबू नहीं थी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये खुशबू उस कब्र वाले से आ रही, और वो 18 हिजरी में ज़मीन में दफन हुए, 18 हिजरी, और मैं 1434 में गया था, 1434, 1400 साल से ऊपर जमाना गुजर चुका है और उसकी कब्र महक रही है, खुशबूदार है, कितना अजीम इंसान है। और कैसे समझा रहे हैं, बच्चे की तरह, जबान जबान। वो कहने के या रसूल अल्लाह ये जबान के बोल पे पकड़ होगी, आपने कहा तेरा भला हो, सबसे ज्यादा जहन्नुम में धक्का देने वाली जबान होगी। मेरे अजीजों, रिश्ते टूट गए, मोहब्बतें मिट गईं, अदावतों की आग भड़क उठी, और उसके पीछे बड़ा केस नहीं, ये जबान है, ये जबान है, ये जबान है। मैं अगर ये चाहता हूं मेरी औलाद मुझसे प्यार करे, औलाद अगर ये चाहती है कि माँ बाप हमसे प्यार करें, टीचर ये चाहते हैं कि उस्ताद बच्चे हमसे प्यार करें, और बच्चे ये चाहते हैं कि टीचर हमसे प्यार करें, हर रिश्ता नाता हर ताल्लुक के पीछे एक बोल है, बच्चों अपनी जबान पे काबू, जबान पे काबू, जबान पे काबू। इस जबान को काबू में रखो, दिलों में मोहब्बत उतरती चली जाएगी, मोहब्बत उल्फतें बढ़ती चली जाएंगी, कि इस जबान पे गीबत ना आए, झूठ ना आए, धोखे का बोल ना आए, बद्यांति का बोल ना आए, जुल्म और सितम का बोल ना आए। इस जबान को शहद लगा लो, ये कांटों भरी जबान ने घरों को आग लगा दी, रिश्तों को आग लगा दी।
निज़ाम टूट गए, फैमिलियां टूट गईं, पीछे सिर्फ ज़बान की बकवास है। जिसने अपनी ज़बान पर काबू पा लिया, जिसने अपनी ज़बान पर काबू पा लिया, जिसने अपनी ज़बान पर काबू पा लिया, दीन भी सलामत, दुनिया भी सलामत, ओहदा भी सलामत, कब्र भी सलामत, जन्नत भी सलामत है, आखरत भी सलामत है। अल्लाह के वास्ते इससे गलत भूल ना निकालो। निकल जाए तो अल्लाह से माफ़ी मांग लो, निकल जाए तो तौबा कर लो, लेकिन अपनी ज़बान पे काबू पाना सीखो, अपनी ज़बान पे काबू पाना सीखो। मेरे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, धोखा नहीं दे सकता। मेरे नबी वजू फरमा रहे थे तो सहाबा पानी नीचे से ले रहे थे और पी रहे थे। आपने फरमाया क्यों कर रहे हो? कहा जी आपकी मोहब्बत में कर रहे हैं। तो आपने फरमाया ये मोहब्बत नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ मोहब्बत किसे कहते हैं। मोहब्बत ये है कि जिंदगी भर सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, जिंदगी भर दयानदारी से काम करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, और पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। ये है मुझसे और मेरे अल्लाह से मोहब्बत की सही और सच्ची अलामत कि फल यस्तुकिल हदीसा इज़ा हद्दस फल युद्दिल अमानता इज़ा तुमिन और फल युसिन जिवारा मन जावरा हो। अगर मुझसे और मेरे रब से मोहब्बत का दावा है तो सच बोलना, मोहब्बत का दावा है तो धोखा ना देना, मोहब्बत का दावा है तो पड़ोसी से अच्छा सलूक करना। तमाम रिश्तों में इस जबान को सवा, खास और वालदेन के सामने जबान को संभाल के बोलो, उस्ताद के सामने जबान को संभाल के बोलो। और सबसे नाजुक रिश्ता है खामिंद और बीवी का, जो 90-95% तलाकें सिर्फ जबान के बोल की वजह से पड़ जाती हैं कि कभी लड़की का बोल तेज, कभी लड़के का बोल तेज, कभी वो बदतमीजी पे, कभी वो बदतमीजी पे, घरों के घर बर्बाद हो गए, टूट गए, पीछे सिर्फ जबान का बोल है। और मेरा रब माँ बाप के लिए क्या कहता है, ला तकुल्लाहुमा उफ उफ, इतना लफ्ज भी माँ बाप के आगे मत कहो। मेरे नबी का फरमान है, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं ऐसी ऐसी खिदमत करता कि ईशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा सूरत फातिहा पढ़ रहा होता और उधर से आवाज आती, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के हाजिर हो जाता, फर्ज नमाज नफल नहीं, मैं फर्ज नमाज तोड़ के हाजिर हो जाता। उबैदुल्ला बिन उमैर से एक शख्स ने कहा, हुजूर मैंने माँ को कंधे पे बिठा के तवाफ कराया, मैंने माँ का हक अदा कर दिया। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि अभी एक थकी हुई सांस का हक भी अदा नहीं हुआ, जो तेरी माँ ने तुझे पालते हुए थक थक के गहरी सांसें ली, उनमें से अभी एक सांस का भी हक अदा नहीं हुआ। और एक शख्स ने खुरासान से बीवी को उठाया, माँ को उठाया और बैतुल्ला जाके हज कराया, और फिर अब फिर उबैदुल्ला बिन उमैर से कहने लगा, मैं खुरासान से आया हूँ, पूरे सफ़र में माँ को कंधे पे बिठाकर और अभी हज कराया, तो मैं हूँ माँ की खिदमत कर देती, हो गया पूरा मेरा काम। उन्हें कहा, वला तलकतन वाहिदा, तेरी माँ ने तुझे जनते हुए, तुझे पैदा करते हुए जो सैकड़ों नहीं हज़ारों दर्दें बर्दा लहराती ना, दर्द की लहराती है जाती, उसको अरबी में तलखा कहते हैं। तो उन्होंने फरमाया, अभी एक दर्द की लहर का हक भी अदा नहीं, अदा नहीं हुआ। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, उनकी दुआ लो अल्लाह के वास्ते, उनके सामने उनकी आंखों में आंखें डाल के बात मत करो, उनके साथ बदतमीजी मत करो, ना दुनिया रहती है ना आखिरत रहती है। मैं और आप तो आज के इंसान हैं। हाँ, एक हदीस है, मेरे नबी ने से पूछा गया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया, अल्लाह को पता। क्या कोई निशानी बता दे? तो ये बच्चियाँ खास तौर पर सुने, कोई निशानी बता दें। तो आपने फरमाया, जब बेटियां भी माओं को जलील करेंगी तो क्या मतलब? अब बेटे क्यों नहीं कहे कि वो आम तौर पे करते हैं, बेटों में बदतमीजी ज्यादा होती, बच्चियों में कम होती। तो मेरे नबी ने कहा, जब बेटियां भी माओं को जलील करेंगी तो क्यामत के नकारे पे चोट पड़ेगी। ये इतना खौफनाक अमल है, इतना ये दहशतनाक अमल है, जो जो उम्मत को, इंसानियत को गिरा देने के लिए काफी है। सहाबी सब जन्नती, और एक घर से पैगाम आया कि मैं जौजा अलकमा पैगाम भेज रही हूं, मेरे खामिद मर रहे हैं, कलमा नहीं पढ़ पा रहे। सहाबी कलमा नहीं पढ़ पा रहे, 1439 हिजरी नहीं है, मेरे नबी जिंदा हैं, मौजूद हैं। आप तेजी से उसके घर गए, कहे बेटा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहलाने वाला नबी,
कहने वाला सहाबी का कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कह या रसूल अल्लाह, नहीं निकलता, नहीं निकलता। आपने एकदम पूछा, इसके वालदैन में कोई है? कजी माँ माँ है। तो आपने पूछा वो नाराज़ है या राज़ी है? कजी नाराज़ है। तो आपने फरमाया, पैगाम भेजा, वो अलग रहती थी कि अलकमा की अम्मा मैं आ जाऊँ या तुम आओगी? कजी मैं आता, मैं आती हूँ। वो आ गई। आपने फरमाया तुम बेटे पे नाराज़ हो? कजी नाराज़ हो। क्या नाराज़गी है? अब सुनना गौर से सुन, क्या नाराज़गी? कि या रसूल अल्लाह बहुत नेक बच्चा है, रातों को उठता है, तहज्जुद पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, दिन में रोज़े रखता है, दीन बहुत अच्छा है, मेरी नाराज़गी ये है जब मुझसे बात करता है बदतमीज़ होकर करता, सख्त लहजे में करता। बड़ी पुरानी बात है, एक ज़िम्मेदार मेरा माहौल जो है ख़ानदान है का, एक बेटा अपने बाप से लड़ रहा था, तो आज तक मेरे वास्ते की बनाया, तो आज तक मेरे वास्ते कीता की है, और उसके बाप की बेबसी मुझे अब रुला रही, हालांकि कुछ 40 साल पुरानी बात है, तो आज तक मेरे वास्ते की बनाया, तो आज तक मेरे वास्ते की, और उसका बाप कहे अच्छा मेरा पुत्र, जो दर्द था इस जुमले में, अच्छा मेरा पुत्र, तो आज तक मेरे पास जकी की था, और आगे कह अच्छा मेरा पुत्र। माँ बाप को जन्नत का जरिया बनाओ, जहन्नम नहीं, आग में ना जल जाना माँ बाप की बदतमीजी के साथ, डिग्रियों को अल्लाह उठा के फेंक देगा। तो आपने फरमाया जब बेटियां भी माओ को जलील करेंगी तो अल्लाह इस दुनिया को तोड़ देगा। अबू हुरैरा जिहाद में जाने लगे, माँ ने कहा मैं कल ही मैंने छोड़ के जाना पे, वो कहने के नहीं मेरे नबी ने ऐलान किया जिहाद का, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने फिर कहा बेटा मैं अकेली हूँ, कहा नहीं मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मैंने तुझे दूध पिलाया, तुझे उसका वास्ता, अपनी छाती पकड़ कर मैं तुझे इसका वास्ता देता, कहा नहीं मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने पैगाम भेजा अल्लाह के नबी को कि मैंने अबू हुरैरा को अपने दूध का वास्ता दिया, ये फिर भी नहीं रुक रहा। तो अबू हुरैरा हथियार सजा के एंटर हुए मस्जिद में, तो आपने देखा तो आपने यूं मुंह फेर लिया, ये मेरे नबी के गुस्से की निशानी थी कि जब किसी पे नाराज होते थे देख के यूं मुंह फेर लेते, जब मुंह फेरा तो वो दौड़ गया रसूलुल्लाह अब नाराज हैं। आपने कहा माँ को छोड़ के कौन सा जिहाद करना चाहते हो? माँ को छोड़ के कौन सा जिहाद करना चाहते हो? मुझे तुम्हारे जिहाद की जरूरत नहीं है, जाओ जाके माँ के कदमों में बैठ जाओ, मुझे तुम्हारे जिहाद नहीं चाहिए, माँ के कदमों में जाके बैठो। उनको मस्जिद से उठा दिया, जाओ। हालांकि वो तो वो जमान जब इतनी ज़रूरत थी कि चारों तरफ कुफर हमले कर रहा था, मेरे नबी ने डांट पिला दी कि तुम माँ के दूध का भी तुझे ख्याल नहीं है, वो कह रही मैं तुझे दूध का वास्ता दे रहा, भगा दिया। या रसूल अल्लाह मेरा बेटा बड़ा नेक है पर मुझसे बदतमीज होकर बोलता है, अरे मेरा दिल दुखा पड़ा है। तो आपने कहा माफ कर दो, उसे नहीं पता कि गल की हो ही पई है, माफ कर दो। कहा मेरा जी नहीं चाहता। आपने कहा मैं आग लगाऊं फिर सिफारिश करो? कहा तो बताओ, इतनी सख्त थोड़ा ही हूं कि मेरे बेटे को आग लगाई जाए मैं सिफारिश ना करूं। कहा अगर तूने माफ ना किया ये मेरे रब की आग में जलेगा। सहाबी तो नहीं 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 मैं माफ करती हूं। तो आपने फरमाया बेटे कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उनका ला इलाहा इल्लल्लाह और उनकी जान निकल गई। आपने उनका जनाजा पढ़ाया, कब्र में उतारा, कब्र पर दफन के बाद का जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, जमीन आसमान की लानत, ना नमाज कबूल है ना रोज़ा कबूल है ना सदका कबूल। आप हमारी नई नस्ल हो, आपको ये चीज़ें ना बताई जाती हैं ना पढ़ाई जाती हैं, ना सिलेबस में है ना निसाब में है ना घरों में इसका तस्करा है। और दूसरा इस ये स्मार्ट मोबाइल ने ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी, हर चीज़ से हटाकर एक स्क्रीन पे लगा दिया है। अल्लाह के वास्ते अब मेरी नस्ल बैठे, इन रिश्तों को पानी दो ज़बान की हिफाजत के साथ, मोहब्बत के साथ, ख़ास पर खामिंद और बीवी का, बहन भाइयों का रिश्ता, रिश्ते की कोई कीमत नहीं। हज्जाज के सामने तीन मुजरिम पेश किए गए, साथ उनके एक खातून भी थी, तो उन्हें कहने कत्ल कर दो, औरत को छोड़ दो और आज़ाद।
उसने कहा जो अगर मुझे छोड़ते हो तो ये मेरा रिश्ते वाले इनको भी छोड़ दो। कहने का जा तेरे कहने पे एक छोड़ देता हूँ, एक छोड़ देता हूँ। एक उसका बेटा था, एक भाई था, एक खामिन था। तो वो उसने कहा खामिन तो और भी आ जाएगा और बेटा भी आ जाएगा, माँ पे वो मर गए, भाई कोई नहीं मिलेगा। कहा मेरा भाई छोड़ दे बाकी मार दे। वो कहने का तेरे इस खूबसूरत इंतखाब पर तीनों को माफ़ कर दो, जा तीनों लेके जा। अब भाइयों में लड़ाइयाँ, बहन भाइयों में लड़ाइयाँ, कभी जायदाद की, कभी ज़मीनों की, कभी रिश्तों की। अपने रिश्तों को इज्जत दो, अपने जहाँ कोई उस्ताद शागिर्द का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, खावंद बीवी का रिश्ता, पड़ोसी का रिश्ता, अल्लाह के वास्ते जबान जबान इसे एहतियात से इस्तेमाल करो, इसे खूबसूरत करके इस्तेमाल करो। कभी वो ऊँच नीच हो जाए माफ़ी मांग लो, तौबा करो, अल्लाह भी माफ़ कर देने वाला है। और तुम्हारे आगे शादियां होने वाली हैं या कहीं के हो चुकी होंगी, सबसे अहम रिश्ता जिस पर कुरान ने सैकड़ों आयात उतारी हैं वो खामिद और बीवी का रिश्ता है। सबसे अहम रिश्ता जिस पर अल्लाह ने सैकड़ों आयात उतारी हैं, दोबारा सुन लो, सबसे अहम रिश्ता जिस पर सैकड़ों आयात हैं वो खामिद और बीवी है। माँ बाप के लिए चंद, औलाद के लिए चंद, बहन भाइयों के लिए चंद, बाकी रिश्तों के लिए थोड़े थोड़े इशारे, विरासत के लिए दो रुकू, और खामिद और बीवी सैकड़ों आयात हैं कि ये नस्ल की बुनियाद हैं। अगर ये बिगड़ गए, अगर ये टूट गए, शैतान रोजाना कचहरी लगाता है, रोजाना जैसे आज हमने खैर की कचहरी लगाई, वो रोज शर की कचहरी लगाता, कहता क्या करके आयो। वो सारे कारगुजारी सुनाते हैं, चोरी कराई, डाका डलवाया, बदकारी करवाई, लड़ाई करवाई, कत्ल करवाया, कुफर करवाया, चुप करके सुनता रहता, हाँ हाँ एवं सर मारी रख ला। एक पिछू भेड़ तू जा शैतान खड़े होते आंदा जी मैं मियाँ बीवी ने लड़ाया, उछल पड़ता, कहता वाह वाह काम तो तू कर गया, गां जा गां जा। उसको बुलाकर गले लगाता है और उसको अपने पास बैठा कर कम वक्तों कम तो ऐ करके तुसी की करके आयो। इसलिए मैं कह सैकड़ों आयात हैं इस पर सैकड़ों कि ये रिश्ता सबसे पहला रिश्ता है खामिंद और बीवी आदम और हव्वा, और आखिरी रिश्ता भी है खामिंद और बीवी जन्नत में। हर मर्द अपनी बीवी के साथ, हर औरत अपने खामिंद के साथ ज़िंदगी गुजार रही है, और हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है इसमें ये रिश्ता बुरी तरह पिस रहा है। कभी लड़की के घर वालों की तरफ से, कभी लड़के के घर वालों की तरफ से, कभी मियाँ बीवी के अपनी तरफ से, कभी घर के अंदर सास बोल रही है, ससुर बोल रहा है, नंद बोल रही है, देवर बोल रहा है, एक खिचड़ी पकी हुई है। जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा था, अब ये मुसीबत बन गया है कि मैं अपने हुदूद का नहीं पता। आने वाली लड़की ये हक लेकर आती है कि अगर मैं साहिब जायदाद हूँ तो मैं उसको अलग घर में उतारूँ। वो ये हक मेरे अल्लाह ने रखा है कि आने वाली बच्ची का अलग घर होना चाहिए जिसमें एक नई जिंदगी शुरू हो। बीच में डल यानी कहते लुच्छ तल्लण वाला जो होता, बीच में ये इधर से कोई मशवरे दे रहा है, कोई इधर से, ये ना हो, एक जिंदगी चले। अगर इतना भी मेरे पास नहीं है तो मैं उसको एक किराए पर घर ले कर दूं, अगर ये भी मेरी इस्तेआत नहीं है तो फिर मैं उसे एक घर में पोर्शन अलग दूं जिसमें वो अकेली अपना काम करे, अगर ये भी नहीं है एक कमरा, एक किचन, एक टॉयलेट लड़की का फर्ज हक है, फर्ज हक है। अगर इसके भी हिम्मत नहीं है तो वह तस्बीह पढ़ते रोजे रख, किसी दी दीनू बर्बाद न कर। मेरे बच्चों अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाओ जबान के मीठे बोल के साथ, अच्छे अखलाक के साथ, माफ करने के साथ, दरगुजर के साथ, सखावत के साथ, मोहब्बत के साथ। मुसलमान सखी होता है, बखील नहीं होता है। मुसलमान अल्लाह को सखी पसंद है, बखील से नफरत है, और इंसान की फितरत है बखील, माल की कजोड़ना, मेरे अल्लाह को सखी पसंद है। सामरी सामरी वो जादूगर कहलाते हैं, उसने बछड़ा बना के पूजा करवा दी तो अल्लाह ने कहा सबको कत्ल करो, सारे कत्ल हो गए, सामरी भी आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलाओ तलवार, जिब्रील आ गया, या कलीम अल्लाह, अल्लाह ताला कह रहे हैं सामरी को कुछ ना कहो, आप ही मर जाएगा। वो कहने लगे बड़ी बूढ़े ऐसे तो सारा काम कर रहे थे, उनको मैं माफ़ किया। तो अल्लाह ताला जिब्रील कहने लगे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये कमबख्त सखी है और सखी को कत्ल मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं इसको वैसे ही मार दूंगा। उसके कुफर के बावजूद उसकी सखावत उसको कत्ल से बचा के। तो बच्चों सखी बनो, अल्लाह से मांगो अल्लाह तुम्हें सखी दिल अता फरमाए।
موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، اور بارشیں بے وقت کرتا ہوں، یہ میری ناراضگی کی نشانی۔ ما علامت و سخط، یا اللہ تیرے ناراضگی کی نشانی؟ کہ امطر علیہم ابان حسادہم وامنہ ابان زرعہم، بارشیں بے وقت کر دیتا ہوں، واجعل الملک فی سفہائہم، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، والمال فی بخلائہم، پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں۔ ایک ہوتا بخیل، اوروں پہ خرچ نہیں کرنا، اپنوں پہ کرنا ہے تھوڑا بہت۔ ایک ہوتا شحی، اے بخیل دا دادا ہے، یہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، کم وقت گنی ہی جانتا ہے، بس لکھ ہو گیا تھے، کروڑ ہو گیا تھے، ارب ہو گیا تو دنیا نو کھوا کے آپ کا برج جا پاؤں گا۔ تو اللہ نے بخیل کہا بخل سے دور ہو، شوخ تو بخل سے بھی بڑی برباد والی، مسلمان نہ بخیل ہوتا ہے نہ سخی ہوتا ہے، سخاوت اللہ کو پسند۔ صحابہ اللہ کے نبی کی بیگمات نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے کون آ کے ملے گا، یعنی آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو سب سے پہلے کون آپ سے ملے گا؟ کہ جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں، جس کے ہاتھ زیادہ لمبے۔ تو اب ساری نا بیگمات اپنے ہاتھ ملانے لگی، نو بیویاں تھیں تو جوڑ جوڑ کے بھی کس کے لمبے کس کے لمبے۔ وہ حضرت زینب کا انتقال ہو گیا، وہ تو ویسی چھوٹی تھیں، تو پھر انہیں سمجھ میں آیا کہ ہاتھ لمبے ہونے کا مطلب تھا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہو کے دے رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، وہ سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملے گی۔ تو آپ کے بعد آپ کی بیگمات میں حضرت زینب جا کر ملی آپ سے، چونکہ وہ سب سے پہلے وفات پر سب سے بڑی سخی تھی، سب سے بیگمات میں سب سے زیادہ ان کے اندر سخاوت تھی۔ تو سخی بنو، بخیل نہ بنو، جس میں معاف اور کچھ نہیں تمہارے پاس تو معاف کرنا سیکھو، یہ بہت بڑی سخاوت ہے۔ ایک صحابی نے تہجد میں دعا مانگی، یا اللہ پیسہ تو ہے نہیں، تیرا نبی آندا سخاوت کرو، جس جس میری بےعزتی کی تھی میں سارے انہوں معاف کی تھی، میری ہی آئی سخاوت۔ تو جب فجر کی نماز ہوئی تو آپ نے فرمایا، بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا بھائی؟ تو اب سارے چپ، کوئی بھی نہیں بولا، اس کو بھی خیال ہی نہیں ہے کہ میں کچھ صدقہ کیتا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا، بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چپ۔ پھر آپ نے کہا، بھائی اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ تو پھر ان کو خیال، وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ وہ مجھے جوش آیا تھا، وہ پیسہ تو ہے نہیں تو سخی کے میں بڑھا، میں کہا یا اللہ میری عزت دا صدقہ، جس نے میری بے عزتی کی سب معاف۔ تو میرے نبی نے کہا تیرا صدقہ قبول ہو گیا، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بندے کو بتا دے میں نے تیرا صدقہ قبول کیا ہے۔ تو بچو اللہ سے سخاوت مانگو، جس میں اور کچھ نہیں، معاف تو کر سکتے، کسی طرف سے بدتمیزی ہے جانے دو، معاف کر دو، درگزر کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ثلاثۃ اقسم علیہن، میں قسم اٹھاتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، تم معاف کرو، عزت گھٹے تو مجھ سے لے لینا، معاف کرو، عزت گھٹے مجھ سے لے لینا۔ یہ وہ خوبصورت اخلاق ہیں جس سے میرے آپ کے گھر کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے، اور انتہائی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ہمارے پورے پاکستان میں ایک ظلم ہے، بچیوں پر وراثت نہیں دیتے ماں باپ، نہ ماں باپ دیتے ہیں، ماں باپ مر جائیں تو بھائی نہیں دیتے۔ ہمارے ذمہ داروں میں تو وہ فرضی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کر لیتے ہیں، اندر ہی انگوٹھے لگوا کے وہ زمین اپنے نام کر لیتے ہیں، اور خود والدین کہتے ہیں لہ ساڈی زمین نہ جوائی کھامن، کیوں کھامن، وہ بے وقوف تیری بیٹی جا رہی، لہ ساڈا جوائی ساڈی زمین لے جاوے۔ یہ میرے دیس کی جہالت ہے، یہ میرے دیس کی جہالت ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی اور اس نے ان کو ڈولی بٹھا کے رخصت کر دیا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا، اگر ایک کا ایک بھی ہے تو جنت میں ساتھی ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا، جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں اور اس نے بہنوں کا حق ادا کیا، ان کو باعزت رخصت کیا، تو جنت اس پہ واجب ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہنوں کا حق رکھا ہے، لیکن میرے پورے دیس میں بہنوں کو وراثت میں کچھ نہیں ملتا۔ میری آواز بہت دور تک جا رہی ہے اس کیمرے کے ذریعے، کان میں پڑ جائے تو اللہ کے واسطے، اسی دودھ کو پی کر تیری بیٹی جوان ہوئی ہے جس کو پی کر تیرا بیٹا جوان ہوا ہے، اسی پانی سے تیری بیٹی بنی ہے جس سے تیرا بیٹا بنا ہے۔ ایک چھت، ایک تھالی، ایک پیالی میں سب کچھ دے کر، اور پھر یوں ظلم و ستم کہ کوئی نہیں بتا۔ ہمارے پنجابی میں، ہمارے علاقے میں جہیز کو داج کہتے ہیں، داج، تینوں داج دے چھڑے، بس بس ہوں اور کشا نہیں ساڈے کول۔ یہ ظلم و ستم میرے دیس کا اجتماعی ظلم ہے، ہے۔ اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اور مدد اٹھ جاتی۔ میں ہر دفعہ ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا، میں ریونٹ پڑھتا تھا،
जिस उस्ताद से मैंने कुरान सीखा और पढ़ा, मैं उनके पास शहद की बोतल ले गया घर के बाग के। मैंने कहा उस्ताद जी आपके लिए शहद लाया हूँ। फरमाने लगे कहाँ से लाए? मैंने कहा जी मेरे अपने बाग का है आम। मैंने कहा जी मेरे अपने बाग का है। तो अब मेरे उस्ताद का सवाल सुनना। कहने लगे तेरे बाप ने अपनी बहनों को ज़मीन में से हिस्सा दिया था, ये सवाल क्यों किया है? अगर दिया था तो ये शहद हलाल है, अगर नहीं दिया तो ये हराम है। तेरे बाप ने अपनी बहनों को ज़मीन में से हिस्सा दिया था? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यो दी बहन ही कोई नहीं। दो भाई सिर्फ, दो भाई। कहने लगे अच्छा तो फिर तेरे दादे ने अपनी बहनों को हिस्सा दिया था? मैंने कहा जी मैं उस वे पैदा ही कोई नहीं हुआ, मैंने की पता देता है कि नहीं देता। इतनी तहकीक के बाद एक शख्स उस वक्त 10 रुपए की बोतल आती थी, उन्होंने उसे कबूल फरमाया कि गलत लुकमा अंदर जाता तो क्या करता है, जिसे मालूम होता है वजू तहकीक करता है। और बच्चियों का हक कितना ज़रूरी है कि ना दो तो सारा रिस्क हराम हो जाता है। ये वो मेरे नबी के बताए हुए दुरूस से ज़िंदगी हैं जिससे तुम्हारी ज़िंदगी खूबसूरत बनेगी, आलीशान बनेगी। झुकना सीखो, माफ़ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो, उम्मत बन के चलना सीखो, फिरकों में मत बटो, सियासी जमातों का हिस्सा मत बनो, किसी सियासी जमात का हिस्सा ना बनो, किसी मजहबी ऐसी जमात जो तुम्हें लड़ा दे भिड़ा दे उसका हिस्सा ना बनो। तुम हमारा सरमाया हो, तुम हमारी दौलत हो, तुम्हें ज़ाय करना अपने आप को तबाह करना है। और मेरे मैं कैसे अपना ही पेट नंगा करने वाली बात है कि किस तरह मेरी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं सियासत के नाम पर, मुख्तलिफ शक्लों के नाम पर। बच्चों मज़हब इस चीज़ का नाम नहीं है कि तुम नफरत का शिकार हो जाओ, मज़हब इस चीज़ का नाम नहीं है कि तुम दस्त गरीबा हो जाओ, मज़हब इस चीज़ का नाम नहीं है कि तुम इधर उसकी शक्लें देखना भूल जाओ, मज़हब इस चीज़ का नाम नहीं है कि तुम एक दूसरे के खिलाफ डंडे उठा ना शुरू कर दो, लड़ाइयाँ शुरू कर दो। अल्लाह के वास्ते उम्मत बन के चलो, उम्मत बन के चलो, उम्मत बन के चलो। अपने आप को फिरकों में तकसीम मत करो, हो तुम जिस भी फिरके के हो उसे अपने दिल में रखो, उसे अपनी बनियान बनाओ, अपना चोला अपना कुर्ता मुहम्मदी बनाओ, उम्मत बन के अपना तारुफ करवाओ। मेरा तारुफ है कि मैं मुसलमान हूँ, ये मेरा तारुफ, ये मेरा तारुफ नहीं है मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं बरेली हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं अहले हदीस हूँ। ये तारुफ में ताफुन है, इसमें आग भरी हुई है, इसमें नफरत भरी हुई है। जो इस नफरत को भड़का रहे हैं वो इस मुल्क के बड़े दहशतगर्द हैं, वो इस मुल्क के बड़े दहशतगर्द हैं, वो इस मुल्क के बड़े दहशतगर्द हैं जो उम्मत को फिरकों में तकसीम कर रहे हैं। और वो सियासतदान बड़े दहशतगर्द हैं जो मेरी इस नस्ल को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम सियासत करनी है तो इल्म के साथ करो, इल्म वाले बन के देखो, उस्तादों से मोहब्बत करने वाले। इतने उस्ताद को कुर्ब दो कि तुम्हारे जाने के बाद उसे याद रहे कि मेरा शागिर्द है, मेरा शागिर्द है। इतना कुर्ब दो, इतनी मोहब्बत दो कि वो उन्हें याद रहे कि हाँ ये मेरा शागिर्द है। और उस्ताद की दुआ वहाँ ले जाती है जहाँ तुम्हें किताब नहीं ले जाएगी, उस्ताद की दुआ वहाँ ले जाती है जहाँ तुम्हें रिसर्च नहीं ले जाएगी, जहाँ तुम्हें डिग्री नहीं ले जाएगी। ये सियासत खेलनी है तो खेलो, मेरे नबी वाली सियासत, माफ करना, दरगुजर करना, दुश्मन को भी सीने से लगा लिया, बेटी का कातिल आया आपने सीने से लगा लिया, और क्या कहते हैं, चचा का कातिल आया, हमजा का कातिल, वैशी वैशी, और आकर कहने लगा अमन का पनाह चाहता हूं, पनाह चाहता हूं। मुंह छुपाया हुआ था और उसके कत्ल का फतवा दे दिया था मेरे नबी ने, वो यूं मुंह छुपा के आया था, इसे आपने पहचाना नहीं। कहा पनाह चाहता हूँ, आपने कहा है पनाह है, तो उसने चेहरे से कपड़ा हटाया तो आगे वैशी। आपने कहा मेरा जी तो चाहता था कि तेरे सर पे तलवार पड़ती, पर मैं पनाह दे चुका हूँ, बैठ बोल क्या कहता है। और फिर वो कहता है कि आपका रब कहता है जो जिना करेगा, शिर्क करेगा, कत्ल करेगा, जहन्नुम में जाएगा, मैंने तीनों काम किए तो कोई माफ़ी है? आपने कहा इल्ला मन ताब व आमन व अमल अमलन सालेह, जो तौबा करे, ईमान बनाए, अमल बनाए, माफ़ है। कहने लगा ये तो
बड़ी लंबी बातें हैं, कोई छोटी बात बताएं मेरी बख्शिश की, और तुमने मुझे पनाह दी है ना, कुछ कहोगे तो नहीं, आपने को तो फिक्र न कर, मैं तो कुछ नहीं आख सकता। आप कहने का कोई और गल दसो, तो आपने कहा अल्लाह कहता है मैं शिर्क माफ नहीं करूंगा, बाकी जिसे चाहूं माफ कर दूं। वो कहने लगा जिसे चाहूं माफ कर दूं, मुझे माफ ना किया तो फिर मेरे कलमा पढ़ने का क्या फायदा। तो आपने कहा मेरा रब कहता है या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ु अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीअन इन्नहु हुवल ग़फ़ूरुर रहीम, कि मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है तुम तौबा करो, मैं सब माफ कर दूंगा। कहना ये ठीक है। फिर उसने कलमा पढ़ा और सीने में दर्द इतना था, आपने फरमाया तुझे ईमान मुबारक हो, पर मेरे सामने ना बैठा कर, मेरे ज़ख्म ताज़ा हो जाते, मेरा दुख ताज़ा हो जाता है। जिसके लिए इतना अंदर में दर्द था उसको भी माफ़ करके जन्नत का रास्ता बना के, सहाबी का टाइटल दे के जन्नती बनवाया। मेरी आप मेरी नस्ल बैठे हो, ये सियासत करनी है तो करो, ये दुश्मनी की सियासत, ये नफ़रत किस मज़हब के नाम पर नफ़रत, ये कौन सा दीन है, ये कौन सा दीन। मेरे नबी के दीन का नाम है इस्लाम, सलामती। मेरे नबी के दीन के अकीदे का नाम है ईमान, अमन। मेरे नबी के बाप का नाम है अब्दुल्ला, बंदगी। मेरे नबी की माँ का नाम है आमिना, अमन वाली। मेरे नबी के कबीले का नाम है हाशिम, खिदमत करने वाले, खाना खिलाने वाले, मतलब बता रहा हूँ। मेरे नबी को दूध पिलाने वाली का नाम है हलीमा, दरगुजर करने वाली, अच्छे अखलाक वाली। मेरे नबी को दूध पिलाने वाली के खानदान का नाम है साद, खुशबख्ती वाला। कितने खूबसूरत नाम मेरे रब ने अपने नबी के गिर्द जोड़े, इसमें से नफरत कहाँ से आई, नफरत कहाँ से आई। अल्लाह के वास्ते मौलवियों का आलाकार मत बनो, सियासतदानों का आलाकार मत बनो, ऐसे लोगों के आलाकार मत बनो जो तुम्हें मनफी रास्तों पे चला के तुम्हारी ज़िंदगी को अंधेरों में धकेल दें, और ना तुम दुनिया के रहो ना तुम आखरत के रहो। हम खुद तराशते हैं ज़माने के संगे मील, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगे मील, हम वो नहीं हैं जिनको ज़माना बना गया। हमारे रहबर, हमारे कायद, हमारे हादी, हमारे नबी, हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरे रब ने लाड से मोहम्मद और अहमद और हमाही और हाशिर और आकिब और फातिह और खातिम अबुल कासिम ताहा यासीन, मेरे नबी को अल्लाह ने नाम दिए, मेरे नबी के नसब को आदम तक संभाल के रखा। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौज बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजार बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिक बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माफी बिन आयफी بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن صبر بن يثربي بن يزن بن يلحن بن إرعوة بن عيلي بن زيشان بن عيسر بن أخناب بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زار بن سمي بن مزي بن عبد بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشار بن سام بن نوح بن لامق بن متوشاله بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام। तो बच्चों मैं एक घंटे डेढ़ घंटे में क्या बता सकता हूँ, खाली तुम्हें एक इशारे ही दे सकता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो एक रास्ता, एक रास्ता, एक दरवाज़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मदी बन जाओ। मेरे नबी ने ज़िंदगी गुजार, 11 शादियाँ की, दो दो महीने घरों में आग नहीं चलती, क्या अखलाक थे कि बीवियाँ कुर्बान हो रही, सब कुछ देकर भी घरों में लड़ाई है कि ज़बान का बोल ठीक नहीं, गुफ्तगू ठीक नहीं, अखलाक अच्छे नहीं, दरगुजर नहीं है, माफ़ करना नहीं है। तो मेरे अजीज़ो अपने आप मेकअप करो, अपने आप को खूबसूरत बनाओ अच्छे अखलाक के साथ। और आखिरी हदीस है कि मेरे नबी ने फरमाया मेरे बेटे अनस मेरी एक बहुत बड़ी सुन्नत है, मेरी एक बहुत बड़ी सुन्नत है, ये दाढ़ी भी सुन्नत है, ये पगड़ी भी सुन्नत है,
یہ سفید لباس بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، اور فرضوں سے پہلے نوافل بھی سنت. کتنی سنتیں ہیں، بارش کے قطروں کی طرح سنتیں ہیں. صرف ایک جگہ کہا ہے میری ایک بہت بڑی سنت ہے. انس اگر تو کر گیا نا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا، میرے ساتھ ہو جائے گا. کیا ہے جی؟ کہ وہ یہ ہے، سننا غور سے، وہ یہ ہے اس دل میں زندگی بھر دنیا کے کسی انسان کے لیے نفرت نہ پیدا ہونے دے. انسان، مسلمان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، امتی نہیں کہا، انسان. 700 کروڑ انسان بس رہے ہیں اس وقت، اور میرے نبی فرما رہے ہیں اس دل کو سب کی نفرت سے پاک کر دے، یہ میری سب سے بڑی سنت. تو میرا نبی 7 عرب سے کہہ رہا ہے تم آپس میں پڑھتے ہوئے نفرتوں کا شکار. تو میرے بچوں، اپنے باہر کو خوبصورت بناؤ زبان کے میٹھے بول کے ساتھ، اور اندر کو خوبصورت بناؤ دل کی صفائی کے ساتھ. لوگ برائی کریں معاف کرو، لوگ برائی کریں جھاڑو پھیر دو، لوگ برا کہیں جھاڑو پھیر دو، صاف کرتے رہو، صاف کرتے رہو، صاف کرتے رہو. کل اللہ کا نبی باہیں پھیلا کر تمہیں گلے لگائے گا، تمہیں حوض کوثر کا پانی پلائے گا، اپنے ساتھ لے کر جنت الفردوس تک پہنچائے گا. چونکہ یہ دو کام مارکیٹ میں ہیں ہی کوئی نہیں. نمازی کروڑوں ہیں، روزے دار کروڑوں ہیں، علم والے کروڑوں ہیں، لیکن میٹھے بول والے، دل کو صاف رکھنے والے دنیا میں ہیں ہی کوئی. تو ایک بول میٹھا کر لو، چپ رہنا سیکھو. ہماری ایک دھوبن تھی، مر گئی ماسی شریفہ، بڑی غصے والی، چھوٹا جا قد، پانچوں دیا نوواں تھے، سب انہوں نے سنگن دچایا. تو اور اس کے باوجود وہ آئی میری بہن کے پاس کہ بی بی میں نے کوئی تویز دے، میری نوواں لڑ دیا میرے نال، من تویز دے ساری میری نوکر بن جائے. میری بہن نو تو پتا ہے بھی تماشا تھا سارا مسجد اپنا. تو اس نے ایک چھوٹا سا پیپر لے کر نا الٹی سیدھے لکیریں لگائیں اور ایسے اور تہہ کیا اسے، اور کہنے لگے ماسی شریفہ اے بڑا بڑا تویز ہے، ہوں تیری جو لڑائی ہوئے نا تو تو اے تویز ایتھے رکھ لیں، چک مار کے بہ جائیں. تیری لڑائی موقع جانی اے دیکھی تویز دھوے نہیں نہ تو تیری خیر کوئی نہیں. اب وہ کیا تھا، اس کو چپ کرانا تھا. ایک ہفتے بعد آ گئی بی بی، سوری لڑائی مک گئی. کیوں؟ ماسی شریفہ جی چپ ہو گئے، ہوں کیا لگ رہا. تو مجھ سے یہ سب بچے بچیاں تعویذ لے لو، کام آئے گا. ٹھیک ہے، آپ کے استادوں کو بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں کہ بھائی جب غصہ چڑھے نا تو یہ تعویذ منہ میں رکھ لو تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. غصے کے وقت ایک ہستی صحیح بول سکتی ہے نبی، بس. باقی غصے میں ہر آدمی اوور ہوگا، ہر آدمی اوور ہوگا. لہٰذا غصے میں کیا کرو، چپ ہو جاؤ. بیوی پہ آیا، بچے پہ آیا، شاگرد پہ آیا، ٹیچر پہ آیا، ماں پہ آیا، باپ پہ آیا، بھائی پہ آیا، غصہ ہے، نوکر پہ آیا، چپ ہو جائے. جب وہ لہر گزر جائے پھر بلا کے سمجھا دو تو معاملہ آسان ہو جائے گا. لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا. دل صاف کرو، زبان صاف کرو، نماز اچھی پڑھو، اپنے علم کے ساتھ انصاف کرو آپس میں. اگر کہیں تم کوئی لڑے ہوئے ہو، کوئی لڑکیاں آپس میں نہیں بولتی، کوئی لڑکے آپس میں نہیں بولتے، وہ لڑے ہوئے ہیں کسی بھی وجہ سے، اٹھ کے صلح کر. اور اگر یہاں کوئی خاوند اپنی بیوی سے لڑا، جاتے جا کے صلح کر لے، کوئی بیوی لڑی بیٹھی تو خاوند سے جا کے صلح کر لے. چونکہ خاوند بیوی کی صلح ایسی عظیم شے ہے، جب یہ بیوی صلح کرتے ہیں اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. اور ایک تبلیغ کا کام ہے خوبصورت سا، جلا آپ کو موقع دے اس میں وقت لگائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت نفع ہوگا، آپ کے اخلاق بنے گے، کردار بنے گا. البتہ اتنی بات میں آخری سب سے کہوں گا، آپس میں جو بھی لڑے ہوئے ہو، جو باہر بچے بچیاں سن رہے ہیں، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی ٹیچر آپس میں کھٹ بٹ ہو جاتی ہے، سب صلح کر. جی کیا یہ بڑا مشکل ہے، ہاں ٹھیک ہے. اللہ کرے میں نکل جاؤں بھی تو میرا نکلنا بھی بڑی مصیبت ہے. اچھا بھائی میری بات کوئی سمجھ میں آئی؟ کرو گے نا انشاءاللہ، کرو گے نا. ایک چھوٹی سی بات آخری کر کے دعا کرا تھا. دیکھو بچو، وہ انسان ہی نہیں جو خطا نہ کرے، سنو، وہ انسان ہی نہیں جو خطا نہ کرے.
और वो रब भी नहीं जो माफ ना करे। तो मेरा रब अपनी रहमत की मिसाल देता है, मेरा रब अपनी रहमत की मिसाल देता है, कहता है मेरा बंदा, मेरी बंदी, लो बलगत ज़ुनूब का अना नस्समा, हमारी तो उम्रें थोड़ी हैं, हमारे गुनाह भी थोड़े हैं, अल्लाह का शुक्र है कुफर का गुनाह हमारे दामन पर कोई नहीं है, और मेरा रब कहता है मेरा बंदा मेरी बंदी, तो इतने गुनाह कर कि ज़मीन से उठा और आसमान की छत को लगा। जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी पढ़ी है वो जानते हैं कि कितनी खौफनाक हद तक फैली हुई कायनात है कि इसको किसी तरफ से भी मुकम्मल नहीं देखा जा सकता। और मेरा अल्लाह यूँ कह रहा है कि एक मर्द एक औरत यूँ गुनाहों को उठाए और आसमान की छत को लगाए और पूरी दुनिया के मुफ्तियों के फतवे जहन्नम के सुनकर एक दफ़ा आकर कह दे या अल्लाह माफ़ कर तो मैं सारे ही माफ़ कर दूँगा, सारे एक बोल पे कहूँगा जाओ माफ़ किया, जाओ माफ़ किया। और फिर उससे अगली सुनो, इन इस्तेकालनी अकल तोला, फिर अगर तेरी तौबा टूट जाए, दोबारा टूट गई तो अब क्या कर, तो फिर आना मैं फिर जोड़ के दे दूंगा, फिर तेरी तौबा टूट गई तो तू फिर आ जाना मैं फिर जोड़ के दे दूँ। ये तार है, ये रॉड है, ये टूट जाए तो हम वेल्ड करेंगे तो निशान तो नजर आएगा ना, निशान नजर आएगा कि ये टूटा हुआ है, नजर आएगा ना। अकल तोला का क्या मतलब है कि मैं गया या अल्लाह ये मेरी तौबा टूट गई है जोड़ दे, तो अल्लाह कहता है ऐसे जोड़ूंगा कि जोड़ नजर भी नहीं आएगा, ऐसी तौबा तेरी। और अगर तू इसे एक दफा तोड़ के लाया या एक लाख दफा तोड़ के लाएगा तो एक लाख टुकड़े इस तौबा के हैं, ये एक बोतल एक तमसीली सामने पेश की हुई है, इसको एक लाख जगह से जब जोड़ा जाएगा तो कितने निशान पड़ेंगे, कितने सामने नजर आएंगे। और मेरा रब कहता है मैं तेरी लाख दफा टूटी तौबा तुझे ऐसे वापस करूंगा कि एक निशान भी नजर नहीं आएगा, साफ बर्तन तुझे दे दूंगा साफ। मेरे बच्चों, ये मेरा आपका अल्लाह है। मुझे जावेद चौधरी का फोन आया, आप लोगों को गुनाहों पे उभार रहे हैं, क्यों? आप कहते हैं जितनी दफा मर्जी तौबा करो माफ हो जाती है। आपका नौकर दो तीन दफ़ा गलती करे आप उसे फिर माफ़ करेंगे? मैंने कहा यार तुम तो बड़े काबिल आदमी हो, इतने बेवकूफ़ बन गए हो कि तुमने अल्लाह और तारिक जमील को एक कर दिया। मेरा नौकर नहीं, मेरा बेटा भी करेगा तो मैं उसे घर से निकाल, मेरे बाप ने मुझे निकाल दिया था घर से, तुम मौलवी बनना तो मेरे घर से निकल, मुझे निकाल दिया घर से फिजिकली, तुम मौलवी बनना तो मेरे घर से निकल जाओ। 23 नवंबर 1972 हफ्ते का दिन, मैं तो मैं बशर हूं, मैं तो बेटे को निकाल दूंगा। और ये अल्लाह है जो तासर से पाक है, मैं अल्लाह की रहमत की तरफ बुला रहा हूं, मैं गुनाहों की थोड़ा दाव, मैं अल्लाह की, मेरी नस्ल को अल्लाह का पता कोई नहीं, पता तो मौलवियों ने खौफनाक शक्ल अल्लाह की दिखा दी है, मेरा अल्लाह करीम है मेहरबान है। तुम एक दफा कहते हो ना या अल्लाह, तो जवाब में 70 दफा जवाब कहो या अल्लाह, कहो कहो या अल्लाह, जोर से कहो अल्लाह की कसम हर बंदे के लिए 70 दफा जवाब है लब्बैक 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 या अब्द। मेरा बंदा मैं हाजिर हूं, गलत कर की अखे, तुम एक दफा तुम माँ से कहो अम्मा कहेगी जी, फिर कहो अम्मा कहेगी फिर कहो अम्मा कहेगी भौक नहीं। और तुम अपने रब को पुकारो, सारी रात पुकारो, सारा दिन पुकारो, सारी जिंदगी पुकारो, हर लम्हे पुकारो, वो एक दफा पुकार के जवाब में 70 दफा जवाब देता है, लब्बैक 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 लब्बैक, हाजिर हाजिर हाजिर। अल्लाह आपसे राजी हो, आपके इन जज्बों को अल्लाह अमली शक्ल दे, ये जज्बे अमल में ढल जाएं तो बस हमारा काम बन जाए, हमारा काम आए। तो बच्चों, आप सब छोटी उम्रों के बैठे हुए, मैंने मैनचेस्टर में बयान किया तो एक आ गया नौजवान, बड़ा दुखी सा रोत, मौलाना साहब ये वाकई ठीक बात है कि जितने गुनाह हैं अल्लाह माफ़ कर देगा?
वो इतना डरा हुआ था कि उसको यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा हाँ जी, ये वाकई ठीक बात है कि जितने गुनाह हैं अल्लाह माफ़ कर देगा? मैं कहा हाँ जी, ये वाकई ठीक बात है। मैं कहा यार बच्चा, तू तो 35 साल है, तू कितने को गुनाह किए? चलो तूने बहुत गुनाह किए, 35 साल के हर लम्हे में तूने गुनाह, पागल, जमीन से आसमान तक गुनाहों की भरी हुई गंदगी को मेरा रब एक आंसू पर धो के साफ कर देता। इस कुर्ते को धोने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए। 70 साल नहीं, 70,000 साल नहीं, 70 करोड़ साल के गुनाहों को धोने के लिए एक आंसू का कतरा चाहिए, जो बाहर भी ना निकले, सिर्फ अंदर घूम जाए, तेरे प्याले को तर कर दे। वो एक कतरा मेरे तेरे 70,000 70 करोड़ सालों के गुनाहों को धो के रख देगा। मेरा आपका अल्लाह ऐसा है। तो मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, अब तक जितने हमसे खताएं हुई हैं, तुम यहाँ तौबा कर लो सारे और बाहर निकल कर नई जिंदगी शुरू करो, ठीक है ना? नियत करते हो ना? बाहर भी बच्चे सुन रहे हैं, सारे मेरे साथ कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तो। अब इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़्ल करम से आप सब, बाहर वाले अंदर वाले, बड़ी उम्र छोटी उम्र, अगर सच्चे दिल से कहा है तो आप सब ऐसे बैठे जैसे माँ के पेट से निकल के आए, साफ सरस साफ। हाँ, नमाज नहीं पढ़ी है, बोलो माँ से पूछ लेना भी, अब मैंने नमाजें नहीं पढ़ी, क्या करूँ? रोजे नहीं रखे, क्या करूँ? किसी का हक मारा, क्या करूँ? गुनाह माफ हो गया। जितना अल्लाह को माफ करना पसंद है, मेरे नबी की एक और हदीस सुनो, कि अगर तुम सारे नेक बन जाओ ना तो अल्लाह तुम्हें मौत दे के जन्नत में भेज देगा, और एक कौम पैदा करेगा जो गुनाह करके बैठ के रोएंगे, फिर अल्लाह उन्हें माफ करके खुश हो। ये मेरा आपका अल्लाह है। लिहाजा बड़े से बड़ी भी खता हो जाए, झुक के मांग लो, दरवाजे खुले हैं उसकी रहमत के हर वक्त, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। तो ठीक है ना? इंशाल्लाह दुरुशी पढ़ो। अच्छा, एक ऐलान है ये आपके इंतजामिया की तरफ से, चूंकि माशाल्लाह आप इतने ज़ौक शौक से आए हैं, अल्लाह इसका सिला आपको दे, और अंदर बच्चे बच्चियाँ ख़वातीन ज़्यादा हैं, तो ख़वातीन के एहतराम में ये जो लड़के बैठे हैं, आप लोग तशरीफ़ रखेंगे, पहले ये सारी मस्तूरात निकल जाएं, उसके बाद अगर आप निकलें तो आपके इंतज़ामिया की और मेरी भी दरख्वास्त है, एहसान अजीम होगा। चूँकि इतना बड़ा रश है तो इसको निकल, रास्ता भी छोटा है, निकलने में ज़रा दिक्कत होगी, तो आप सब की खिदमत में गुजारिश है कि पहले मस्तूरात को निकलने दें, उसके बाद आप निकलें, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा।